अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चीत दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। 300 कुरान हदीसों की चर्चा करी जब, जेर हुए इस्लाम में सबों मेहजर लिख दिया तब, सबों मेहजर लिख दिया तब। ए हम तहकीक किया, अचरती धाम धनी जो हमारी आत्मा का प्राण वल्लभ है, प्राण प्रीतम है। श्री लालदास जी को उन्होंने शोभा दी है यह संपूर्ण बीतक लिखवाने का। संसार में ऐसा कोई भी पंथ नहीं है जिसमें हर वर्ष एक माह की चर्चा होती हो। विद्वान तो सभी पंथों में है, लेकिन ये जो एक माह की कथा होती है इसने इस समाज के तात्विक दर्शन को जीवंत बनाए रखा। आपने पिछले दिनों सुना किस तरह से पद्मावतीपुरी धाम में अक्षरातीत आए, बीतेगा 39 साल, दगेगा 40 साल, होसी कोई मर्द मर्द का साथी, नानक गुरु साई नानक साई वेला विखाई, होसी सच सच दी वेला। गुरु ग्रंथ साहब में ये बात कई सौ वर्ष पहले की लिखी हुई है गुरु नानक देव जी के समय में, कि जब बीतेगा 39 दगेगा 40, जब 1739 के समय बीत रहा होगा और 1740 का प्रारंभ होगा, तो होसी कोई मर्द मर्द का चेला। मर्द कौन है? ना इस सारी सृष्टि में परमात्मा के सिवा कोई मर्द नहीं है, लेकिन मर्द कौन है? परमधाम की ब्रह्मात्मा, अक्षरातीत की अंगरूपा आत्माएं उन्हीं के स्वरूप हैं। इसलिए दो आत्माओं का मिलन लिखा है, इंद्रावती जी महामती जी का और छत्रसाल जी सा कुंडल का। नानक साई वेला विखाई होसी सच दी वेला, जब कहा है कि वो समय आएगा तो सत्य का प्रकाश उस समय फैलेगा। परमधाम क्या है, अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, कैसा है, आज सारे संसार में जाइए, अक्षरातीत की पहचान देने वाला कौन है? बड़े बड़े विद्वानों के पास भी जाकर आप यदि जिज्ञासा करें तो धारा प्रवाह संस्कृत में बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं, अरबी फारसी में बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि परमात्मा को हमने देखा है या परमात्मा ऐसा है, परमात्मा कहाँ है, इसके विषय में मौन हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने वाणी के ज्ञान सागर में डुबकी लगाई है वो जानते हैं कि कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, और उसको प्रत्यक्ष दर्शन करने का मार्ग कौन है। संसार में अरबों लोग रहते हैं, अरबों में कुछ आधे से अधिक तो आस्तिक हैं। इन अरबों में खोज करने वाले भी अरबों में हैं, 70 लाख तो अपने हिंदू समाज में महात्माएं भी हैं, गृहस्थियों में भी काफ़ी भक्त होंगे। आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाकर देखिए, लाखों लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन क्या परमात्मा किसी को नज़र आता है? क्योंकि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं है। अब कुछ सिख भाई ये मानते हैं कि ये गुरु गोविंद सिंह और बंदा बैरागी का मिलन है, बंदा बैरागी और गुरु गोविंद सिंह के मिलन का समय भी वही है, लेकिन जो गुरु नानक देव जी ने पहले कह रखा था वो परमात्मा संबंधी भविष्यवाणी थी। कोई आन मिलावे प्रीतम प्यारा, मैं जिंदे हथ विकाऊँ। गुरु गोविंद सिंह ने भी विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के बारे में
काफी कुछ कह रखा है, ने कलंक जब आवेगा, महाबली अवतार, डंका बाजे धर्म का, ऐसी सारी बातें गुरु गोविंद सिंह ने भी अपने ग्रंथों में कह रखी। ये वही समय था जब श्री जी पन्ना जी में पधारे थे। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी को कहा कि धामधनी, आपने ही तो मुझे हुक्म की शोभा दी है, क्योंकि जब महाराजा छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी को अक्षरातीत मानकर भाई जी राज जी को उनके साथ विराजमान कराकर आरती उतारी और यह कहकर कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारी आनंद अखंड अपार, तो श्री जी ने भी छत्रसाल जी को थाल में से तिलक कर दिया चंदन लेकर और कहा कि छत्रसाल आज से तुम महाराजा हुआ। छत्रसाल छत्ता हुए, छिपे सब सुल्तान, और परिणाम क्या हुआ, बजी बधाई नृपत सो। पूरे राजमहल में यह बधाई गाई जाने लगी कि जब स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को अपने मुख से महाराजा कह दिया तो उन्हें महाराजा अवश्य बनना है। एक छोटी सी रियासत के राजा थे, अब वो महाराजा बन गए। इत यमुना उत नर्मदा, यमुना और नर्मदा के बीच में जितना स्थान है, यमुना कहाँ से गुजरती है, मथुरा से, और नर्मदा कहाँ है, जबलपुर। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लड़न की रही न कहूँ होश। कोई भी छत्रसाल जी के सामने टिक नहीं पाता था, एक दो नहीं 52 लड़ाइयों में छत्रसाल जी ने औरंगजेब के विरुद्ध विजय पाई है, ये इतिहास की साक्षी है। आमने सामने की लड़ाई में शिवाजी भी इतने जीत नहीं सके, लेकिन शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने शिवाजी के कार्यों को आगे बढ़ाया। छत्रसाल जी के जो उत्तराधिकारी हुए वो सुस्त हो गए, हृदय सार्थक अच्छा चला, उसके पश्चात इनके खानदान में आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। परिणाम जो महाराजा छत्रसाल जी ने जो कुछ पुरुषार्थ किया था उनके वंश वालों ने आपस में बांट बांट कर राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतिहास हमेशा परिणाम देखता है, इसी कारण छत्रसाल जी का नाम इतिहास में पूरा फैल नहीं सका। शिवाजी का नाम इसलिए फैला क्योंकि शिवाजी के जो उत्तराधिकारी बने उन्होंने दिल्ली तक को धावा मारा था और मुगल बादशाहत को अपने अधीन कर लिया था। छत्रसाल जी ने अपने तन के रहते रहते अधीन कर लिया था, लेकिन दीपक तो वही जो लंबे समय तक जले। छत्रसाल जी के अंतर्ध्यान के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों ने उनके मिशन को आगे नहीं बढ़ाया। परिणाम इतिहास के पन्नों से छत्रसाल जी की गरिमा काफ़ी कुछ ओझल रही, सबकी नज़र में नहीं आ सकी, अन्यथा व्यक्तित्व में परमधाम की ब्रह्मात्मा है। श्री जी ने उन्हें अमीरुल मोमिनीन ब्रह्मात्माओं में सरूपर का। आपने शास्त्रार्थ का प्रसंग किस तरह से सुना था कि श्री जी के दरबार में सुंदर बल्लभ बद्री भी आए थे और छत्रसाल जी ने उनकी परीक्षा लेकर कह दिया था, सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कलिमान, 14 विद्या निपुण है पर एक को जानत ना है। 14 विद्याएं क्या होती हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, सांख्य योग न्याय मीमांसा वैशेषिक और वेदांत, और आयुर्वेद ज्योतिष व्याकरण धर्मशास्त्र, ये 4 और मिलकर के 14 विद्या होती है। इन 14 में भले ही वे निपुण कहलाते हूँ अपने को, लेकिन एक परमात्मा के बारे में उन्हें पहचान नहीं थी कि कौन है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा। सुंदर और बल्लभ तो चले गए, बद्रीदास जी श्री जी की सेवा में समर्पित हो गए थे। और आपने उस दिन कुरान पक्ष का शास्त्रार्थ भी सुना था किस तरह से अब्दुल रसूल ने जब हार मान ली, जब लालदास जी ने पूछा तो बताइए 5 तरह की पैदाइश कौन कौन सी है, तो कह दिया था एक कुंड की पैदाइश, एक हाथ की, एक दो हाथ की, एक मूल इब्तदाई की और एक खिलकत की। एक हाथ की पैदाइश क्या है, जो मोहम्मद साहब के दर्शाई हुई ज्ञान पर चले। दो हाथ की पैदाइश कौन, जो तारतम ज्ञान के प्रकाश में दोनों स्वरूपों सतगुरु धनिष देवचंद जी और श्री प्राणनाथ जी के अनुयायी बने। मूल इब्तदाई की कौन है, ब्रह्म सृष्टि, और खिलकत की कौन, ईश्वरीय सृष्टि। कुंड की पैदाइश कौन, जो जीव सृष्टि है, जो आदि नारायण के संकल्प एकोम भवश्याम से या आजाजिल से उत्पन्न होती है।
पूछा था कि तुम इनमें से कौन से मैं अपने को मानते हो. कभी कहता है कि कुन्न से, कभी कहता है कि मूल इब्तदाय की, कभी कहता है कि खिलकत की. वो दृढ़ता ही नहीं हो पा रही थी. जब बलदीवान ने पूछा कि क्या कह रहे हो काजी साहब, तो कहता है कि ये तहकीक जमाने का खमंद जो करी थी शरत, सो शरत अब आए पहुंची फरदा रोज क्यामत. कह दिया स्पष्ट, कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला कब आएगा, कल को आएगा. कल यानी दुनिया के साल हजार, खुदा का दिन एक, और दुनिया के साल सौ, खुदा की रात एक. 1100 वर्ष बीतने के पश्चात इमाम मेहती के रूप में अल्लाह ताला की शक्ति को आना था. और कुरान को सिर पर रखकर कसम खाता है कि जो हम झूठ ही बोल ही तो ये मुसाफ हमें मारे, तो इस पाप से मेरा विनाश हो जाए. ये कस्सो गंध खा करके कहता है. सबको विश्वास हो जाता है, श्री जी की वाणी चर्चा का अमृत रस बहता रहता है. और अभी आपने सुना श्री जी हथनी पर सवार हैं, छत्रसाल जी सेना लेकर के चल रहे हैं सेनापति बनकर. जो भी पंडित मिलता है, मौलवी मुल्ला मिलता है, उससे शास्त्रार्थ करवाते हैं. वो हार करके लिखता है, यही हिंदुओं के विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं. मुसलमानों को लिखकर देना पड़ता है कि यही आखिरुल इमाम मोहम्मद मदी साहिबुज्जुमा है. कालपी के मौलवियों ने लिख करके दिया महजरनामा, औरंगजेब के पास भेज दिया कि हमने अपनी आंखों से देखा है, कुरान हदीसों की साक्षी के अनुसार हम सभी स्वीकार करते हैं कि यही वक्त आखिरत के खुदा हैं. आरबों सो ऐसा कहा कागदे परमान, आवसी रब आलम का तब खोल सी कुरान. मुसलमान तो केवल कुरान के नाम पर खून खराबा बहाते हैं, उनको तो कुरान के वास्तविक अर्थ का पता ही नहीं कि कुरान में लिखा क्या है. ये भेद खोलने की सामर्थ्य किसमें है, जिसने कुरान कही. अलिफ लाम के भेद पूछिए मुसलमानों से, क्या वो जानते हैं, उत्तर मिलेगा नहीं. जितने हरूफ मुक्तियात हैं उसके भेद वो नहीं जानते. अब श्री जी का ऐसा वरद हस्त है महाराजा छत्रसाल जी पर, जो उनके ऊपर कुदृष्ट करता है वो नष्ट हो जाता है. आपको रामनगर की वितक के बारे में विदित होगा कि किस तरह से पुर्दल खान ने शेख खिद्र को भेजा था पकड़ने के लिए. पुर्दल खान दक्षिण भारत में औरंगजेब का सूबेदार था. एक बार जब छत्रसाल जी ललितपुर की तरफ गए हुए थे, पुर्दल खान से आमना सामना हो गया. छत्रसाल जी के पास केवल 22 सैनिक थे और पुर्दल खान के पास 3000. 22 सैनिकों ने 3000 सैनिकों को मार डाला और पुर्दल खान अपनी जान बचाकर भागा. आप सोचिए कितनी असंभव सी लगने वाली बात है कि 22 व्यक्ति 3000 पर भारी पड़े. इसी प्रकार मिट्ठू पीर जर्दा 5000 घुड़सवारों को लेकर के चलता है पन्ना पर हमला करने के लिए. ऐसी पहाड़ी स्थान से गुजर रहा था, वहाँ बारात आई हुई थी दलित लोगों की. उन्होंने सोचा कि कौन से दुश्मन ने हमला कर दिया. रात के अंधेरे में जैसे जैसे घुड़सवार निकलते गए और दलित लोग अपने हथियार लेकर खड़े हो गए और 5000 की सेना को, घुड़सवारों को काट डाला. मिट्ठू पीर ज्यादा भी किसी तरह से जान बचा कर भागा. इसी तरह से एक बार औरंगजेब को जब पता चला कि छत्रसाल जी मेरे सारे सैनिकों को, सारे सेनापतियों को हराते जा रहे हैं, मैं 52 लड़ाइयों में हार चुका हूँ, तो सोचा कि अब जड़ से आर पार की लड़ाई लड़ी जाए. उसने रणमस्त खां को बहुत विशाल सेना देकर, लगभग 1,00,000 सैनिक देकर दिल्ली से रवाना कर दिया. रणमस्त खां 7 दिन का पड़ाव करके ग्वालियर तक पहुँच गया था. इसी बीच उसको रात को सपना आता है. सपने में रसूल मोहम्मद साहब कहते हैं कि उसको संकेत देते हैं कि बादशाह तुम महाराजा छत्रसाल से युद्ध करना छोड़ दे. औरंगजेब सपना देखता है कि खुदा का दरबार लगा हुआ है, सारी दुनिया खुदा के दरबार में खड़ी है और छत्रसाल जी सबसे आगे खड़े हैं खुदा के दरबार में. उस स्वप्न को देख, जैसे ही देखा, रसूल मोहम्मद साहब ने उसको संकेत किया कि देखो
छत्रसाल जी की बराबरी करने वाला इस समय संसार में कोई भी नहीं है, तुम उनसे युद्ध करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। अब देखिए उस तन में भी सकुमार की आत्मा है, शकुंडल की प्रतिद्वंदी, लेकिन वो माया की नींद में है, उस पर राज्य का वरद हस्त नहीं, इसलिए हर कदम पर औरंगजेब हारता जा रहा है। कभी एक दिन भारत का बादशाह था, उसका नाम सुन करके लोग कांपते थे, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणियों के प्रति उसके मन में कुदृष्टि हुई, उसका पतन शुरू हो गया। एक दिन ऐसा समय आया कि मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी प्राणों की रक्षा भी मुश्किल से कर सका, मराठों के हाथ में जाने से बचा था। जिस औरंगजेब ने न जाने कितनों को फांसी पर लटकवा दिया होगा, वही औरंगजेब अपने प्राणों की रक्षा बहुत मुश्किल से कर पाया। उसका खजाना खाली हो गया, दिन पर दिन उसकी सेना समाप्त हो गई, और जब वो इस दुनिया से जाने लगा तो प्रायश्चित के आंसू बहाते हुए गया। औरंगजेब ने अपने लड़के मुअज्जम को पत्र में लिखा है कि खुद खुदा मेरे घर चलकर आया था, लेकिन सत्ता के मद में मेरी आंखों ने उनकी स्वरूप की पहचान नहीं की। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब की किताब में ये बात विस्तार पूर्वक लिखी हुई है। मैंने खुदा की इबादत के सिवा जो भी समय गुजारा है वो व्यर्थ में चला गया। औरंगजेब को याद आ रहा था कैसे मैंने अपने ही भाइयों को फांसी पर लटकवाया, उनका गला काटकर चौराहे पर हमने रखवा दिया था, कैसे अपने पिता को इसी तख्तेताउस के लिए जहरीले तेल से मालिश करवा कर मैंने तड़पा कर मरवाया था। आज इसी तख्तेताउस को मैं छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि जब 12 सुंदर साथ के साथ दुर्व्यवहार हुआ, श्री जी की बद्दुआ लगी, उसके पश्चात तो वो सिंहासन पर बैठ भी नहीं पाया। जब सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता था तो उसको लगता था कि इस पर कोई सिंह बैठा हुआ है। परिणाम अब महाराजा छत्रसाल जी के राज्य में अमन चैन सुख चैन की बंसी बज रही है। श्री जी के दरबार में वाणी चर्चा का प्रवाह चल रहा है, चर्चा चितवनी के सिवा कुछ नहीं, और जो भी कुदृष्ट करता है उसका पतन हो जाता है। यह घटना क्या दर्शाती है कि जो एक अक्षरातीत पर सच्चे हृदय से प्रेम करता है, विश्वास लाता है, उसको किसी तरह के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। उस पद्मावतीपुरी धाम में उसकी महिमा सरोपर कही गई है, कलश में सनंद में इसकी महिमा दर्शाई गई है। भोम भली भरतखंड की जामे आई नितिन चल, और सारी जिमी खारी खारे जल मोहचल। भरतखंड की पवित्रता के बारे में वाणी कहती है, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताके छत्रपतियों के सिर इत आय रही शरम। स्वर्ग पृथ्वी और बैकुंठ में सबसे श्रेष्ठ है तो भारतवर्ष। अमेरिका की धरती बहुत हरी भरी है, बहुत धन है वहाँ, यूरोप में कहीं धूल नहीं देखने को मिलेगी, हर जगह घास हरियाली घास मिलेगी, मखमली घास मिलेगी, चमचमाती सड़कें मिलेगी, अच्छे अच्छे मकान मिलेंगे, सुंदर रूप वाले लोग मिलेंगे, पैसा ही पैसा है, लेकिन सुकून नहीं है। जो शांति हृदय की भारतवर्ष में है वो वहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मणियों के चरण कमल पड़े हैं, ज्ञान विज्ञान का सूर्य भारत में उगा, ऋषि मुनियों का देश है यह, भोगी विलासियों का देश नहीं है। आप विदेशों में जाएंगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन उनका प्रातःकाल का भोजन शुरू होता है गाय के मांस और बियर शराब से। भारतवर्ष में सवेरे सवेरे क्या खाया जाता है, दूध या फल या अन्न। और इस भारतवर्ष में भी श्रेष्ठ क्या है, भोम भली भरतखंड की जाहे आई निधि ने चल, इनमें जो ठोर अच्छी चाको नाम नौतन, तहां आए उदय हुई निश्चल बात वतन। भारतवर्ष में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है, नौतनपुरी, सात पुरियों से भी श्रेष्ठ, मथुरा काशी अवंतिकापुरी हरिद्वार अयोध्या उज्जैन नासिक, इन सात पुरियों में भी श्रेष्ठ है नौतनपुरी, क्योंकि इन सात पुरियों में केवल निराकार बैकुंठ तक का ज्ञान था, बहुत हुआ तो थोड़ी बहुत
बेहद की बात। परमधाम का ज्ञान इन सातों पुरियों से नहीं मिला। इनमें जो ठोर अव्वल जाको नाम नौतन, भारतवर्ष में भी श्रेष्ठ क्या है? नौतनपुरी। क्यों? जहां आय उदय हुई निश्चल बात बतन, जहां अक्षरातीत के चरण कमल पड़े, सदगुरु धनिष देवचंद जी को प्रत्यक्ष दर्शन मिला श्री राज जी का, और उनके धाम हृदय में बैठकर धाम धनी ने अखंड ब्रज रास और परम धाम का वर्णन किया। तीन ठोर से भी ठोर अच्छी जाए कही है हिंदुस्तान, जहां मोहम्मद मेहदी आए के जाए किया फुरमान। किंतु उस नौतनपुरी से भी श्रेष्ठ और पद्मावतीपुरी धाम है, जहां स्वयं अक्षरातीत विराजे और जाहिर किया फुरमान, यानी संपूर्ण धर्म ग्रंथों के भेदों को स्पष्ट करते हुए खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये चार किताबों का अवतरण किया, जिसको कहते हैं तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार। इन चार किताबों के अवतरित होने से यहीं बैठे बैठे सबने परम धाम को देखा। 5000 की जमात है, 5000 की जमात में 500 ब्रह्म सृष्टि है, और इनमें से एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि हमको परम धाम नहीं दिखाए। ईश्वरी सृष्टि ने भी देखा, जीव सृष्टि ने भी देखा, जाको दिल जिन भासो तासो मिले दिन भीत। ये है पद्मावतीपुरी धाम की महिमा। आज भी महामती जी समाधि अवस्था में झूले पर विराजमान है। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक ब्रह्मात्माओं की जागनी का कार्य चल रहा है, यह ब्रह्मांड रहेगा, और तब तक झूले पर विराजमान होकर जागनी का संपूर्ण नियंत्रण महामती जी के हाथों में है। मूल स्वरूप ने उन्हें इस खेल में अक्षरातीत की शोभा दे रखी है। इसलिए कोई हीरे मोतियों से भले ही कोई मंदिर बना ले, लेकिन उसकी तुलना पद्मावतीपुरी से नहीं हो सकती। यह ठीक है वहाँ सुविधाओं का अभाव है, प्रशासन व्यवस्था में कमियाँ हैं, लेकिन जो पवित्रता गुम्बट जी में है वैसी पवित्रता कहीं और नहीं हो सकती, और जो महिमा गुम्बट मंदिर की है उस वैसी महिमा किसी भी अन्य स्थान की न हो सकती है, न कभी होगी, क्योंकि वहाँ महामती जी का चरण कमल है। जो कदी वह आगे चली जिमी बैठी वह जिमी माँ है, पाँचों मिले पाँचों मिने रू अपनी असल छोड़ना। कोई भी परमात्मा अपना तन छोड़कर महामती जी के चरणों में पहुँचती है, क्योंकि महामती जी का हृदय ही अक्षरातीत का वह धाम है जिसमें युगल स्वरूप विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं, और इस खेल में हर आत्मा धनी के चरणों में पहुँचती है। अब आप सुनेंगे मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? अब सुंदर सात श्री जी को अक्षरातीत का स्वरूप मानकर के रिझाएंगे। इसके पहले मंगलाचरण लिखा जाता है, यानी परब्रह्म के प्रति समर्पण भावना को दर्शाना कि अक्षरातीत धामधनी आपकी कृपा से मैं यह लिखने जा रहा हूँ, सब कुछ मंगलमय हो, इसी भावना से जो कुछ लिखा जाता है उसको कहते हैं मंगलाचरण। अब मंगलाचरण सुनिए। अव्वल हक के दिल में, सबसे पहले राजी के दिल में क्या हुआ? खेल दिखाऊं रुहन। यह राजी ने लिया कि मैं अपनी अंगनाओं को, अपनी आत्माओं को माया का खेल दिखाऊं। किस लिए? अपने स्वरूप की पहचान देने के लिए। यह हो गया खेल का महाकारण। इश्क रब्द खिलवत की, अब परिणाम क्या होगा? परम धाम में अनाथ काल से रब्द चला रहा था। दोनों का दावा था कि हम आपको रिझाते हैं, हमारा प्रेम बड़ा है। सखियाँ कहती हैं हम आपको रिझाते हैं, हमारा प्रेम बड़ा है। श्यामा जी कहती हैं हमारा, राज जी का कहना था कि ठीक है तुम मुझे रिझाती हो, लेकिन असल अर्ज के बीच में हक का नाम आशिक। तुम मेरे से प्रेम करती हो ये बात ठीक है, लेकिन आशिक कौन है? मैं हूँ। मूलतः प्रेम करने वाला मैं हूँ। स्वलीला अद्वैत के रहस्य को समझाना चाहते हैं कि जो तुम हो वही मैं हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच में परमधाम में कोई भेद नहीं। इसके लिए रब्द हुआ। रब्द तो पहले से चल रहा था, लेकिन राज जी ने रूहों के दिल में डाला कि हम माया का खेल देखें, और अक्षर के दिल में डाला कि मैं परमधाम की लीला को देखूं। इसको कहते हैं खेल का कारण। बाता करे सयन, और परमधाम की आत्माओं ने इस क्रवत के बारे में वार्ता की, और राज्य की प्रेरणा से यह बहस बढ़ती गई कि किसका इश्क बड़ा है। देखिया ब्रज रास को, और परिणाम क्या हुआ? ब्रज और रास की लीला होती है।
तीसरे जो हिसाब और तब ये जागनी ब्रह्मांड का खेल बनता है। आए मेरे आगे बातें करें। अब कौन कह रहे हैं? जिससे रब्द हुआ था वही तो बंगला जी दरबार में बैठे हैं प्राणनाथ जी के स्वरूप में, कह रहे हैं कि मेरे आगे सब ने आकर के कहा कि हमारी ब्रजराज में इच्छा पूरी नहीं हुई है। लेकर बड़ा सवाब कि धाम धनी आपने कहा था कि माया तुम्हें ऐसे दबोच लेगी, लेकिन ब्रजराज में तो आप हमारे साथ थे, माया ने क्या बिगाड़ लिया। तीन में अभिषेक देख के और तब ये जागने का ब्रह्मांड बना। इस ब्रह्मांड में ए जो खंड बुंदेल भारतवर्ष सबसे पवित्र है और भारतवर्ष में भी ये बुंदेलखंड का इलाका जिसके बारे में धर्म ग्रंथों ने पहले लिखा था कि पद्मावती केन सरदे बिंद पृष्ठे विराजता इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यत कलौजुगे, वो बुंदेलखंड की धरती पर ब्रह्मात्माओं का अवतरण होगा। तामे सिरे सिरदार की और उसमें भी ब्रह्म सृष्टियों के प्रमुख कौन है? ए जो परना ठौर और उसमें बुंदेलखंड में भी सबसे पवित्र स्थान है पन्ना जी। आप देखेंगे आर्थिक रूप से वर्तमान समय में बुंदेलखंड काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले पूरा बुंदेलखंड तालाबों से भरा हुआ था। आधुनिक युग में लोगों ने तालाबों को पाट पाट कर घर बनाना शुरू कर दिया। जब तालाब नहीं रहेंगे कोई ये नहीं सोचता कि वाटर लेवल तो बहुत नीचे चला जाएगा, और बुंदेलखंड पूरा पथरीला है, जब तालाब रहे नहीं खेती कैसे हो। इसलिए आधुनिक सभ्यता की एक सबसे बड़ी बुराई है संसाधनों का दोहन, और इसी कारण बुंदेलखंड इस समय आर्थिक क्षेत्र में अस पिछड़ा हुआ है, लेकिन कभी खुशहाल था। तीन में सिफत छत्रसाल की और बुंदेलखंड में सबसे पवित्र स्थान कौन है? पन्ना जी। और पन्ना जी में कौन विराजे? महाराजा छत्रसाल जी। आप बुंदेलखंड में जाएंगे खजुराहो है, मैहर है, कई स्थान है, चित्रकूट का इलाका है, सभी बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पद्मावतीपुरी धाम में करसी लीला बरस दस्तोड़ी होसी हांस विलास, 10 वर्षों तक अक्षरातीत ने पद्मावतीपुरी धाम में लीला की। ब्रज लीला भी 11 साल 52 दिन तक चली और पद्मावतीपुरी धाम में लगभग 10 वर्षों से कुछ अधिक समय तक स्वयं अक्षरातीत ने परम धाम का रस बैठाया बरसाया। वहीं बैठे बैठे सुंदर साथ ने परम धाम का रस लिया। जब श्री जी चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ को प्रत्यक्ष इन नैनों से राजी युगल स्वरूप के दर्शन होने लगे थे। जिस अक्षरातीत के दर्शन के लिए ऋषि मुनियों ने युगों युगों तक कठोर तपस्याएं की, जटाओं में पक्षियों ने घोंसले तक बना लिए, लेकिन उनको अक्षरातीत का दर्शन नहीं हुआ। और श्री जी के छत्र छाया में रहने वाले सुंदर साथ ने आसानी से इन नैनों से दर्शन कर लिया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था? नहीं पटंतर और इसलिए महाराजा छत्रसाल जी की शोभा के लिए दुनिया में कोई शब्द नहीं है। इन स्वरूप की इन जुबान, अब यह स्वरूप कौन है? स्वयं अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में बंगला जी दरबार में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। उनकी महिमा को इन शब्दों से नहीं कहा जा सकता। कहीं ना जाए सिफत, उनकी महिमा शब्दातीत है। एक पल सेवन की, अब क्या है? सुंदर साथ जो उनके साथ है, उन्होंने क्या देखा? हमारे प्राणेश्वर हमारे साथ हैं, भाव बना। 5000 की जमात है, सेवा कब होती है? भाव से। मुख थी सेवा तूने सुख हूँ जो तू अंतर आडो ताल। अंतर आडो ताल का तात्पर्य क्या है? पर्दा हटा देना, अहं का पर्दा। सेवा बिना भाव के नहीं हो सकती। जब तक हमारे मन में अहंकार रहेगा, हम इतने पैसे वाले हैं हम क्यों सेवा करें। सेवा देखनी हो तो आप स्वर्ण मंदिर चले जाइए। जो करोड़पति होगा वो भी झाड़ू लगाएगा, और जो जूता की सेवा करेगा आपके जूते उठा उठा कर रखेगा, अपने शरीर के कपड़ों से पोछ पोछ कर आपको जूता देगा। सुंदर साथ में तो अभी वैसी सेवा भावना नहीं आ पाई है। हाँ, पंजाब में गुरुद्वारों में विशेषकर स्वर्ण मंदिर में यह सेवा देखने को मिलती है। सुख आवे इन जुबान, सुख न आवे इन जुबान। जो जो एक एक पल जिन जिन सुंदर साथ ने सेवा की,
मुक्तो मुक्ति सेवा तूने सु कहूँ जो तू अंतर अटुटाल अनेक विध सेवा तणी तूने उपस्य तत्काल। यदि कोई अपने हृदय का अहंकार दूर कर दे तो उसके मन में स्वतः भावना होती है कि मैं क्या सेवा करूँ। सेवा पूछ पूछ कर नहीं की जाती है और सेवा दबाव से भी नहीं की जाती है। सेवा के भाव अपने आप आते हैं। तमे प्रेम सेवाए पामसो पार ए वचन धनी के कहे निर्धार। आपके पास सब कुछ है, सारी वाणी भी आपने रट ली है, लेकिन आपके पास प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, तो आपकी पूर्ण जागृति नहीं हो पाएगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि चितवनी ना कीजिए, वाणी ना पढ़िए। सबका महत्व है, वाणी के ज्ञान का अलग महत्व है, चितवनी का अलग महत्व है, लेकिन बिना सेवा के हृदय का अंधकार नहीं जा सकता और बिना प्रेम के चितवनी नहीं लग सकती। इसलिए आत्म सहुनी एक दिशे जुजवी तदिशे दे की भावना रखिए। हर तन में ब्रह्मात्मा की छवि को देखिए और उस परमात्मा के धाम हृदय में युगल सर्प की छवि को देखेंगे तो आप राग द्वेष से निवृत्त हो जाएंगे। किससे घृणा करते हैं? जिससे घृणा करते हैं यदि उसके अंदर परम धाम की आत्मा होगी तो आपसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। पुराण संहिता में लिखा है कि यदि कोई किसी ब्रह्म सृष्टि से सत्संग करता है तो उससे करोड़ों गायत्री मंत्र के जप से भी अधिक का फल मिलता है। कोई सारे तीर्थों का भ्रमण कराए तो भी इतनी पवित्रता नहीं हो सकती जितनी पवित्रता किसी ब्रह्मनी परमहंस की सानिध्यता से होती है। इसलिए जो सुंदर साथ थे 5000 की जमात में, उन्होंने अपना एक एक मिनट व्यर्थ नहीं कमाया। अपने सामने अपने अक्षरातीत को पा करके पल पल सेवा में गुजारा, चितवनी में गुजारा, चर्चा में गुजारा। चर्चा, चितवनी और सेवा, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। लिखा 1100 वर्ष का, और 1100 वर्ष पहले ही कुरान में ये बात लिख दी गई थी। ए लिया जिन ईमान, ए लिया जिन ईमान। ये सुख किसने लिया? जिसने ईमान लिया। सबसे बड़ा धन क्या होता है? ईमान। ईमान किसको कहते हैं? अटूट विश्वास, अटूट आस्था। हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान, यानी राज्य पर विश्वास। हिंदुओं का पतन क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास ईमान ही नहीं रहा। मुसलमान एक अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं अपना सिर झुकाएगा। हिंदू को देखिए, हनुमान जी के मंदिर में जाएगा वहाँ भी सिर झुकाएगा, काली को के मंदिर में जाएगा वहाँ भी सिर झुकाएगा, घर के आगे देवी देवता का चबूतरा बना दिया जाए वहाँ भी सिर पटक लेगा, किसी मुस्लिम की मजार पर जाएगा वहाँ भी सिर पटक लेगा। उसको पता ही नहीं है कि परमात्मा कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए। सौहार्द रखिए, सभी महापुरुषों का सम्मान कीजिए। राम, हनुमान, शिव, ये हमारी सृष्टि के महानतम पुरुष हैं, इनके प्रति श्रद्धा भाव रखिए। लेकिन भक्ति तो केवल पुरुषस्य परापार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्या, अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से एकमात्र उत्तम पुरुष अक्षरातीत की भक्ति करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। क्योंकि पतिव्रता का पति केवल एक ही होता है। पतिव्रता पड़े सेमिये न थाइये वेश्या जेम, एक मेली ने अनेक कीजे तेणी थाए धटवट के। राजी ने क्या कहे? जिस तरह से पतिव्रता एक पति को ही अनन्य भाव से प्रेम करती है, उसी तरह से यदि अब पतिव्रता भाव से अपनी आत्मा का प्रीतम एक अक्षरातीत को मान करके करेंगे तभी तो राजी आपसे प्रेम करेंगे। एक मेली ने अनेक कीजिए, यदि आप एक अक्षरातीत को छोड़कर कईयों को अपने आपने धाम धनी बना रखा है। आज राजी की भी पूजा कर लिए, कल हनुमान जी की भी पूजा कर लिए, परसों सोचा कि गणेश जी रूठ न जाए तो गणेश जी की भी भक्ति कर लिए, फिर सोचा कहीं राहु केतु न नाराज हो जाए तो उनको भी सिर झुका दिए, फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एक मेली ने अनेक कीजिए तेणी थाए धटवट के। एक राज्य को छोड़कर, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को छोड़कर यदि आप पत्थरों के भगवानों के आगे नाक रगड़ते रहेंगे तो क्या मिलेगा? राज्य का प्रेम कहाँ से मिल सकता है? वेद ने क्या लिखा? सतपथ ब्राह्मण में लिखा है, यो अन्याम देवताओं उपासते सहन वेद यथा पशवी एव देवानाम। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की भक्ति करते हैं उनको विद्वानों में पशु कहा है। इतने कठोर शब्द हैं। आज हिंदुओं से पूछिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो? कहेंगे कि हमारी आस्था की बात है।
इन्होंने तो साईं बाबा को भी परमात्मा मान लिया, न जाने कितने परमात्मा हैं। आज कम से कम 70 से ज़्यादा लोग हैं जो अपने को सीधे परमात्मा का अवतार मान रहे हैं। कबीर के अवतार कहलाने वाले भी बहुत हैं, परमात्मा के अवतार कहलाने वाले भी बहुत हैं, और ऐसे ऐसे अवतार रहे हैं जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन हर कोई अपने को परमात्मा का अवतार मान लेता है। मुझे एक बार बहुत आश्चर्य हुआ, सरसों में एक व्यक्ति के धाम गमन की पगड़ी रस्म में मुझे शामिल होना पड़ा था। जो शोक सभा में बोलने आए थे उन्होंने उनको परमात्मा का अवतार कहना शुरू कर दिया, और जिनको अवतार कहा वो बेचारे तो वो कुछ नहीं थे, वो तो एक वैद्य थे, दवा करते थे, मेरे परिचित थे, तो मुझे भी जाना पड़ा था। मैंने सोचा कि चाटुकारिता की कितनी हद हो गई, एक वैद्य को भी परमात्मा का अवतार करने में किसी को संकोच नहीं होता। अवतार तो महापुरुषों का होता है, परमात्मा का कभी अवतार नहीं होता। महान पुरुष सृष्टि के कल्याण के लिए तन धारण करते हैं, इसको अवतार कहते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा गर्भ में नहीं आता, लेकिन हमारे हिंदू समाज में एक होड़ मची हुई है, जिसको भी देखो उसको अवतार घोषित कर दिया जाता है। कोई विष्णु का अवतार बनता है, कोई शंकर का अवतार बनता है, कोई कबीर का अवतार बनता है। शुद्ध मानव बन जाते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन परमात्मा के समान न कोई है, न कोई हुआ है, न कभी होगा। न त्वामान अन्यो न दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। वेद कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम्हारे जैसा न कोई हुआ है, न है और न कभी होने वाला है। तामे सेवा कर जो संग चले, और श्री जी की सेवा करते हुए जिन जिन सुंदर साथ ने, ताकि सुमार न आवे सिफत। जिन सुंदर साथ ने सेवा करके अपना जीवन लगाया, उनकी महिमा के लिए दुनिया में कोई शब्द नहीं है। सेवा का कार्य बहुत कठिन लगता है, लेकिन बाजी किसके हाथ में जाती है? जो सेवा करते हैं, जो राज्य की चितवनी करते हैं, और जो वाणी का चिंतन करते हैं। शेष समय वाणी की चर्चा, राज्य की चितवनी और सेवा के अतिरिक्त जो जीव समय आपका गद्दे पर लेटे लेटे जाता है, समझिए आप गद्दे पर नहीं लेटे हैं, आप अंगारों पर लेटे हैं। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ घंटे का आराम चाहिए, लेकिन आवश्यक आराम हराम है। आपका समय तभी सार्थक होगा, जीवन तभी सार्थक होगा, जब आपका एक एक पल राज्य की चितवनी में लगे, राज्य की वाणी की चर्चा सुनने में लगे और सेवा करने में लगे। सेवा करे न जनाही अपनी आत्मा के कारण। जो सेवा करता है वो कोई आसान नहीं करता है, वो राज्य की सेवा कर रहा है, अपनी आत्मा को जागृत कर रहा है। इसलिए ये नहीं सोचिए कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं अपने प्राणेश्वर की कर रहे हैं, अपने अक्षरातीत की कर रहे हैं, और उस सेवा करने से आपका अहंकार समाप्त होगा, आपके अंदर विनम्रता आएगी, राज्य की कृपा आएगी, और उसी कृपा से आपकी आत्मा जागृत होगी। शाखा विजय नंद का क्या पूरा बोले, शाखा शाखा विजय, जब 1735 का समय होता है तो उनके श्री जी के नाम से बुद्ध जी शाखा प्रारंभ होती है। बरस 1090 और उस समय जब विक्रम संवत 1735 का समय था तो हिजरी गणना के अनुसार 1090 का समय था। संवत 1735 में, और उस समय विक्रम संवत 1735 था। जल्दी जल्दी पहुंची शरत जोए, और उस समय यही विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जाहिर हुआ। हुक्म देवचंद्र जी श्यामा जी, अब श्री देवचंद जी के अंदर कौन है? मलकी स्वरूप। हुक्म के स्वरूप में कौन है? बसरी स्वरूप। ए तीनों के फैल हाल, और हकी सूरत कौन है? श्री प्राणनाथ जी। तीनों की कौल फैल हाल एक राज्य के द्वारा निर्देशित हैं। रूहों की मलकी मिने, और श्यामा जी के अंदर क्या है? श्यामा मलकी सूरत के अंदर श्यामा जी की आत्मा है, बल्कि बसरी सूरत के अंदर अक्षर की आत्मा है, और हकी सूरत के अंदर महामती की आत्मा के साथ दोनों सूरतें भी विराजमान है। अक्षर की आत्मा भी विराजमान है, श्यामा जी भी विराजमान है।
तीन वजह की पैदाइश और तीन तरह की पैदाइश है, एक कुंड की यानी जीव सृष्टि, अक्षर की ईश्वरी सृष्टि और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। संया वाहिदत में असल परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन कहाँ है, परम धाम में, जिनमें एकत्व है। तीन के फैल तीन माफक और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि इस संसार में आई है तो वैसा ही उसके कौल फैल हाल होंगे। ब्रह्म सृष्टि क्या करने की, जो चलते चाल इन दुनिया की जो होते इनकी जात, बैठे बातें करे बका अर्श की, तित भिष्ट भई बैठक दुनी बातें करे दुनी की, आखिर तित दोजक। ब्रह्म सृष्टि जहाँ भी रहेगी केवल राज्य की बातें करेगी और दुनिया के जीव जहाँ भी रहेंगे केवल संसार की बातें करेंगे। इसलिए मोमिन होते इन दुनी की तो चलते दुनी की चाल, ब्रह्म सृष्टि इस दुनिया की नहीं है, इसलिए उनकी रहनी सबसे अलग होगी। उनके अंदर इश्क होगा, ईमान होगा। जीव सृष्टि में क्या होगा, न इश्क होगा न ईमान होगा। ईश्वरीय सृष्टि में ईमान तो भरपूर होगा लेकिन इश्क की जगह बंदगी रहेगी, भक्ति भावना रहेगी, प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम और भक्ति में क्या अंतर है, भक्ति करने वाला कुछ चाहत रखता है, प्रेम करने वाला अपना सब कुछ लुटा दे, वो कुछ चाहत नहीं रहेगा। सेवा सिफत मोमिन की और ब्रह्म सृष्टियों ने जो सेवा की है उसकी महिमा पहुँचत है सब हक। सेवा सिफत मोमिन की पहुँचत है सब हक। आप जो भी राज्य की सेवा कर रहे हैं उसको किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, राज्य सब देखते हैं। राज्य कोई इंसान नहीं है जिनको बताया जाए। होता क्या है, यदि आप अपनी सेवा के बदले कुछ पा लेते हैं, प्रतिष्ठा पा लेते हैं, नाम पा लेते हैं कि देखो इन्होंने इतनी सेवा की, तब तो आपने उसकी कीमत वसूल कर ली। आप जो भी कीजिए सेवा राज्य को समर्पित कीजिए, किसी को बताइए नहीं कि आप तन से इतनी सेवा कर रहे हैं, धन से इतनी सेवा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। आपने जो समर्पण किया वही तो आपकी संपत्ति है और जो आपके हृदय में बसा हुआ अक्षरातीत है हर पल आपकी सेवा को देख रहा है। यदि आप सच्चे हृदय से सेवा करेंगे तो राज्य की मेहर को आपसे कोई भी छीन नहीं सकेगा। लेकिन अपनी सेवा का ढोल पीटते रहेंगे तो उसके बदले प्रतिष्ठा तो मिल जाएगी लेकिन आपकी आत्मा जागृत नहीं हो पाएगी। इन समान बंदगी और इसके समान कोई भी भक्ति नहीं है, नहीं कोई बुजुर्ग, कोई भी भक्ति नहीं है। आप माला पर जप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और सेवा न कीजिए तो भी हृदय निर्मल नहीं होगा। सेवा का तात्पर्य तमे प्रेम सेवाए पामसो पार ए वचन धनी के कहे निर्धार। प्रेम से सेवा। छत्रसाल जी को देखिए, छत्रसाल जी के भाव क्या हैं, छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर भर अनते जान न देऊं, राखो में रसिक रमाए आप विद सब भात सुख ले। छत्रसाल जी ने कह दिया कि धाम धनी अब आपने बहुत जागनी कर ली, आपको अब पन्ना जी ही रहना है, मैं कहीं भी जाने नहीं दूंगा। छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर भर अनते जान न देऊं, राखो में रसिक रमाए आप विद, मैं आपको यहीं रखूंगा, सब भात सुख देऊं हर तरह से। क्योंकि छत्रसाल जी को मालूम है मंदसौर में 8 महीने भिक्षा के अन्न पर गुजारा करना पड़ा, औरंगाबाद में कितने कष्ट, उदयपुर में कितने कष्ट, पैदल सारी यात्रा है, रामनगर में वहाँ भी कष्ट, रास्ते भर पैदल चलना, धूप भी सहना, शीत भी सहना, वर्षा भी सहना। कहा कि अक्षरातीत आप इस तन में आए हो तो मैं किसी भी तरह का कष्ट आपको झेलने नहीं दूंगा। आप देखेंगे महाराजा है, अष्टपहर की सेवा में 6 पहर तक की सेवा में छत्रसाल जी का नाम आता है। राजकाज से जरा सी फुर्सत मिलती है भाग करके आ जाते हैं, महल छोड़ करके आ जाते हैं बंगला जी दरबार में। पहले पहर से लेकर 6वें पहर तक की सेवा में, 12 बजे रात्रि तक की सेवा में छत्रसाल जी का नाम आता है। और अपने राज इतने बड़ा राज्य है और प्रशासनिक व्यवस्था भी देखनी है और सेवा में भी हाजिर रहना है।
इनकी सिफत सुख जी कहें और इन परमात्माओं की महिमा को सुखदेव जी ने भी कहा है और शास्त्रों वेद व्यास और शास्त्रों के अंतर्गत वेद व्यास जी ने भी यह बात दर्शाई है जो ब्रह्म सृष्टि है उसके अंदर प्रेम और सेवा का गुण रहेगा। सेवा किसकी? अपने आराध्य की, अपने प्राणेश्वर की। जो आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, जिसके पास शरीर में शक्ति है, वो शरीर से सेवा करे। किसी के कहने पर कोई सेवा करता है तो उसका कोई मूल्य नहीं। अपने आप तड़प होनी चाहिए कि आप सेवा कीजिए। बोलचाल में कहावत कही जाती है, सेवा का फल मीठा होता है। लेकिन लोग कहते तो हैं, करते नहीं हैं। सेवा से अमूमन लोग जीत चुराते हैं। अरे हमने झाड़ू लगा दिया, हमने ये कर दिया, लोग क्या कहेंगे? यही तो सबसे बड़ी भूल है। जो सबसे छोटी सेवा करता है वो सबसे बड़ा महान माना जाता है। जानते हैं, जब युधिष्ठिर का राजसु यज्ञ हुआ था, दुर्योधन ने क्या सेवा मांगी? दान देने का। उसको ये सोचा कि मैं इतना लुटा दूं कि युधिष्ठिर का खजाना ही खाली हो जाए। उसकी नीयत तो खोटी थी। श्री कृष्ण जी ने जानते हैं कौन सी सेवा मांगी थी? सबकी जूठी पतले उठाने की सेवा श्री कृष्ण जी ने मांगी। जिनकी पूजा की जा रही है, अग्र पूजा के समय पूछा गया कौन सबसे बड़े महापुरुष हैं, भीष्म पितामह ने कहा कि इस पूरी सभा में ऋषि मुनियों और राजाओं के बीच में श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी से बड़ा कोई महापुरुष नहीं है, इसलिए सबसे पहली पूजा श्री कृष्ण जी की होगी। इसी पर शिशुपाल से उनका युद्ध तक हो गया था। अब सोचिए, वो श्री कृष्ण जी सेवा मांग क्या रहे हैं कि मैं सबकी जूठी पतल उठाऊंगा और जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण होंगे उनके चरण मैं धोऊंगा। यहाँ इतने सुंदर साथ बैठे हैं, इनमें से कोई भी मुझे ऐसा नहीं दिखता कि इस सेवा को अपने आप कहें कि सबकी जूठी थाली मैं उठाऊंगा। कहेंगे कि हम जूठी थाली क्यों उठाएं? लेकिन जिनके अंदर वैकुंठ बिहारी विष्णु लीला कर रहे हैं वो सबकी जूठी थाली उठा रहे हैं, आप सोचिए, और सबके चरण धो रहे हैं। कौन? जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही विनम्र होता है। श्रृंगार में स्पष्ट कहा है, जाको नामे रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबान हो तीन माफक। जो जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र होता है और उसकी वाणी में उतनी ही माधुर्यता होती है। जो व्यक्ति अपने धन का, पद का, रूप का, विद्या का अहंकार दिखाता है, समझ लेना चाहिए कि उसका हृदय उथला है, वो महान नहीं है। इसलिए परम धाम की सृष्टियों को क्या कहा गया है? दासानुदास ले रोशनी दौड़े दासानुदास। क्या मत तमाम ये बात दर्शाई गई है कि ब्रह्मात्मा दासानुदास है, दासों की भी दास है। उसके अंदर किसी तरह का अहंग नहीं रहेगा। उसका तन राज्य के लिए, मन राज्य के लिए, धन राज्य के लिए, जो ज्ञान है बांटने के लिए, शरीर में शक्ति है तो आखिरी सांस तक सेवा करते करते अपने जीवन को गुजारती है। संसार के विषयों में उसकी कोई आसक्ति नहीं। पट पहर खाए चिकना हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो जिन दुनी करी मुदार। संसार उनके लिए है ही नहीं। वो संसार में प्रतिष्ठा के लिए नहीं जी रहे हैं, राज्य की सेवा के लिए जी रहे हैं। संसार के किसी सुख की आकांक्षा नहीं है उनको। बिना कहे सेवा के लिए भागे, बिना कहे चितवनी के लिए भागे, बिना कहे चर्चा में सबसे आगे आकर बैठे, तो समझ लेना चाहिए ये हम ब्रह्म सृष्टि की राह पर चल रहे हैं। त्रिगुण अपने चित्त में, और जो ब्रह्मा विष्णु शिव भी हैं, रज की राखे आस, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रिगुण, कैवित करी तपस्या यो कहवत वेद वचन। भागवत में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी का जब मोह भंग होता है तो वे श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस ब्रजमंडल में किसी भी योनि में जन्म मिल जाए तो मैं अपने को धन धन मानता हूँ। इन ब्रह्म सृष्टियों की, ये गोपिकाओं के रूप में जो ब्रह्मात्माएं, इनकी चरण धूलि मिल जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ। जब उद्धव जी भी जाते हैं ब्रज में, गोपियों का प्रेम देखते हैं, गए तो थे जान की पिटारी लेकर, लेकिन जब वहाँ से लौटे तो आंसू बहाते हुए निकले और अपने हाथों से वहाँ की चरण धूलि को,
अपने हाथों से वहाँ की धूल को अपने माथे पर लगा कर आए। क्यों? गोपियों के पवित्र प्रेम से ब्रजमंडल अच्छा देता। कहने का तात्पर्य क्या है? परम धाम की आत्माएं जहाँ भी रही, आप सोचिए, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी ने अपने चरण कमल जहाँ जहाँ रखे होंगे, वहाँ वहाँ की धरती कितनी पवित्र हो गई होगी। उनके शरीर को स्पर्श करके बहती हुई हवा के झोंके भी जिस किसी को मिले होंगे वो भी धन धन हो गया होगा। जिसके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बस जाती है, उससे बड़ा पवित्र कोई तीर्थ नहीं होता। ईंटों से, पत्थरों से कोई मंदिर तो बन सकता है, लेकिन जब तक हृदय मंदिर नहीं होता तब तक आत्मा को सुख नहीं मिलता। यह सुनहला अवसर है कि तारतम वाणी के प्रकाश में हर कोई अपनी आत्मा को धाम बनाए, अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप का साक्षात्कार करें। 300 वर्ष हो गए। हम सुंदर साथ को चाहिए था कि इस ब्रह्मवाणी की गूंज सारे संसार में गुजा देते। हम तो भारत में भी नहीं गुजा पाए, क्योंकि हमने आलस, प्रमाद और अकर्मण्यता की चादर ओढ़ी। हम राग द्वेष की ज्वाला में धधकते रहे, स्वयं का भी नुकसान किया, समाज का भी नुकसान किया और संसार को भी प्यासा रख दिया। इस अपराध को कभी भी क्षमा की दृष्टि नहीं देखा जा सकता है। हम ठीक हैं, अपनी सफलताओं की गाथा गाकर अपने मन को संतुष्टि देने का प्रयास करते हैं, लेकिन राज्य तो देख रहे हैं जो दूसरे झूठे पंथ संसार में कहाँ से कहाँ फैल गए, और परम धाम का ज्ञान हमारे मंदिरों में सिमटा रहा। गिने गिनाए 400 के लगभग मंदिर, उंगलियों पर गिने जाने वाले विद्वान, लेकिन किसी के हृदय में वो आग नहीं कि ब्रह्मवाणी की ज्योत को कैसे फैलाया जाए। जब तक गादीवाद का अस्तित्व रहेगा, व्यक्तिवाद, स्थानवाद का अस्तित्व रहेगा, जड़ता की पूजा होती रहेगी, कर्मकांड की बढ़ोती रहेगी, तब तक ब्रह्मवाणी की आवाज़ चारों ओर संसार में गूंज नहीं सकती है। जब तक चितवनी की प्रक्रिया को तीव्र गति से नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक संसार के लोग कैसे अपने हृदय को धाम की कसौटी पर खड़ा सिद्ध कर सकेंगे, कैसे अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर की छवि को देख सकेंगे। वितक तो कहती है आप देखो औरों को दिखाओ, लेकिन जब हम ही चितवनी नहीं करेंगे तो हम दूसरों को क्या अक्षरातीत का दर्शन करा सकते हैं। संसार में तो आप जाकर देखिए, कर्मकांडों की होड़ मची पड़ी है। मंदिर में पत्थर के भगवान हैं और उनको मिठाइयों का भोग लग रहा है, 56 भोग लग रहे हैं। कहीं कहीं तो पत्थर की मूर्ति है काली की, गढ़ी माई की, वहाँ जानवरों को, भैंसों को काटा जा रहा है कि भगवान खुश हो जाए। क्या यही अध्यात्म है? दिल्ली में एक भैरव का मंदिर है, वहाँ शराब चढ़ाई जाती है। क्या परमात्मा शराब पीता है? लेकिन हिंदुओं को ये भी पता नहीं कि कम से कम मंदिर में शराब तो न चढ़ाए। लेकिन शराब चढ़ाना, मांस चढ़ाना, उसी को प्रसाद खाना कहाँ लिखा है वेद शास्त्र में? जब तक समाज की अज्ञानता नहीं मिटेगी तब तक ये ईंटों से मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप ज्ञान के मंदिर बनाइए, ज्ञान के संवाहक बनाइए जो ज्ञान की ज्योति को सारे संसार में फैलाएं, तभी इस संसार का कल्याण होगा। हमारा कर्तव्य था या करना था? हमको चाहिए था कि ब्रह्मवाणी की ज्योति को सारे संसार में गुजा देते, हर हृदय को परम धाम की शोभा से युक्त कर देते, तो हम धन धन हो जाते। राज जी भी कहते हैं कि सवास ब्रह्मात्माओं, तुमने माया में जाकर बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन हुआ तो यह है, हम छोटे से समाज में बने रह गए, खुद आलसी बने रहे और सारे समाज को भी वैसा बनने के लिए विवश करते रहे। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति, ईश्वर कहते हैं आदि नारायण, ईश्वर कहते हैं आकाश तत्व के देवता को और महाविष्णु कहते हैं आदि नारायण को। पल फिरे होत है नास, जिस अक्षय ब्रह्म के एक पल के इशारे में ईश्वर या महाविष्णु जिनको कहते हैं आदि नारायण को, ये पूरा क्षर ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाता है। सो अक्षर इन शयन की, और वह अक्षर ब्रह्म कोट ब्रह्मांड जाके पलथे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। आप कौन है? परम धाम की ब्रह्मात्मा। अपने शरीर के रूप रंग को मत देखिए कि आप काले कलूटे हैं, अपने बुढ़ापे को न देखिए, अपनी झोपड़ी को न देखिए, अपनी आत्मा को देखिए कि आप परम धाम की ब्रह्मात्मा हैं। और जब ब्रह्मात्मा का भाव होगा तब आप समझेंगे कि वास्तव में आपकी गरिमा क्या है,
अंतरदृष्टि देखिए, बाहर के चक्षुओं से नहीं। करे दीदार की आस, वो भी दर्शन की चाहना करते हैं। जल्दी जल्दी हुक्म नूर खुदाए का, हुक्म नूर खुदाए का, जो राज्य के हुक्म का स्वरूप है, जो जो नूर स्वरूप है, जो है नूर जलाल। नूर जलाल कहते हैं अक्षर ब्रह्म को, यानी खुदा का नूर, खुदा का हुक्म कौन है? अक्षर ब्रह्म। दायम आवे दीदार को, और वे प्रतिदिन दर्शन के लिए चांदी चौक में आते हैं। फिरे मुजरा कर नूर जल माल, और राज्य का दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। विकार सारी विश्व का, और इस संसार का जो भी विकार है, विकार क्या है? अज्ञानता, अंधकार, जिसमें पंथ पैंडों के नाम पर सारा संसार लड़ रहा है। मिट से इन खुशबोए, जब वाणी फैलेगी तो सारे संसार का विकार नष्ट हो जाएगा, अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। सुनत शब्द संसार में, और जब वाणी के शब्दों की संसार में कूच होगी, बिन मेहनत एक सृष्ट होए, तो सारा संसार एक रस हो जाएगा। हिंदू लड़ रहे हैं अपने कर्मकांड के नाम पर, मुसलमान लड़ रहे हैं शरीयत के नाम पर, हिंदुओं के 1000 पंथ हैं अपनी अपनी बातों के लिए लड़ रहे हैं। कोई हनुमान का भक्त है, कोई सिंह का भक्त है, कोई गणेश का भक्त है, कोई देवी का भक्त है, कोई शंकर जी का भक्त है। सब कहते हैं कि हमारे इष्ट बड़े हैं, तुम्हारे इष्ट छोटे हैं। कोई गुरुओं को लेकर लड़ रहा है, कोई संतों को लेकर लड़ रहा है। कोई कहेगा कि कबीर जी बड़े, कोई कहेगा कि पलटू जी बड़े, कोई कुछ को कह रहा है। सब में लड़ाई लगी हुई है, लेकिन एक सत्य का बोध जिनको हो जाएगा, वो सारी लड़ाइयों झगड़ों से अलग एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान करके उन पर विश्वास लाएंगे। यह वाणी किस लिए है? सत्य की पहचान कराने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है, हम दूसरों को पहचान क्या कराएंगे? हम आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ने का कारण क्या? केवल मंत्र का नाम। मंत्र किसको कहते हैं? मननात मंत्र, जिसका मनन किया जाए वह मंत्र है। आप निज नाम श्री कृष्ण जी कहिए या निज नाम श्री जी साहब जी कहिए, इसके लिए लड़ाई की क्या हो सकता है? निज नाम श्री कृष्ण जी ब्रज वाला नाम है, निज नाम श्री जी साहब जी जागनी वाला नाम है। ब्रज में अक्षरातीत आए, 11 वर्ष 52 दिन तक लीला किए, रास में गए, उस नाम से देवचंद जी के तन से तारतम उतरा। जागनी ब्रह्मांड में आते हैं, लौकिक नाम दो मेट के करसी न उठाव, क्योंकि वो तन शरीर परक था, अब भावपरक नाम रखा गया है। श्री जी, श्री जी का अर्थ क्या होता है? जिसकी अनंत शोभा है। श्री जी के चरणों में सभी हैं। अभी आप अष्टभर की लीला सुनेंगे, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, इसमें नूर मोहम्मद भी है, अव्वल खान भी है, कितने मुसलमान हैं जो श्री जी को अक्षरातीत अखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिब जमा परवर दिगार अल्लाह ताला मान रहे हैं। हिंदू जो सुंदर साथ हैं उनको साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत मान रहा है। सबके लिए आए हैं, सबकी भाषा में बोलेंगे। बोले न मेहती एक जुबा, जुबा बोले कई लाख, खेल में मेहती तोतला जुबा कजाए एठोर, आगे तो नूर तजल्ला तह जुबा बोल है। और अक्षरातीत को किसी भाषा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। आप हिंदू हैं तो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कहिए, मुसलमान है अल्लाह ताला कहेगा। मुसलमान कहे कि नहीं सच्चिदानंद परमात्मा नहीं है केवल अल्लाह है, और हिंदू कहे कि नहीं अल्लाह गलत है केवल सच्चिदानंद है, तो परमात्मा तो इन सबकी भाषाओं से परे। इस दुनिया में जितनी भी भाषाएँ हैं क्षर जगत की भाषाएँ, बेहद को शब्द न पहुँचे तो क्यों पहुँचे दरबार, लुगा न पहुँचा रास लो इन पार के भी पार। दुनिया की सारी भाषाएँ शून्य निराकार में विलीन हो जाएंगी, और इसके परे है बेहद, बेहद के परे है परमधाम। परमधाम को शब्दों की परिधि में बांधना कि नहीं परमधाम में अक्षरातीत का नाम केवल कृष्ण जी ही हैं, और सिंहासन पर मूल मिलावे में राधिका जी के साथ बैठे हैं, आज तक तो ये फिलासफी कभी समाज में सुनी नहीं गई, न वाणी में लिखी है न बीतक में लिखी है। लेकिन जबरन थोपने की जो प्रवृत्ति चल रही है कि मूल मिलावे में सिंहासन पर राधा कृष्ण बैठे हैं, आज तक 300 वर्षों में किसी परमहंस ने नहीं कही थी। विवाद इसी पर है कि मूल नाम
श्री कृष्ण जी है। वाणी में कहाँ लिखा है कि ये मूल नाम है? यदि मूल का अर्थ प्रारंभ माने तो जो वर्तमान में जो जागनी का प्रकाश फैल रहा है उसमें क्या कौन सा नाम मांगे? वाणी कहती है खुलासा में स्पष्ट लिखा है सदी गारी बीच में मेरी बातून खुली नजर। इसके पहले रात्रि थी, 11वीं सदी से पहले, संवत 1722 से पहले, यानी लैल के खेल चल रहा था। 83 वर्ष और कुछ महीने जो लीला हुई वो सब अंधकार में था। 1722 में श्री जिद्दी बंदर पधारते हैं और उसके पश्चात से जागने का प्रकाश फैलना शुरू होता है। उजाला फैलते फैलते जब पूर्ण मार्फत जब 1735 का समय आता है, श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं और तब से निज नाम श्री जी साहब का प्रचलन चल गया। हिंदुओं के लिए वो श्री जी हैं, कते परंपरा वालों के लिए वो साहेब जी हैं। सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अनंत ब्रह्मांडों का जो स्वामी आया, अक्षर से भी परे का अक्षर अतीत आया, उसको इस दुनिया की भाषा में आप बांध नहीं सकते कि नहीं यही नाम होगा, अपनी अपनी में समझे सब। इसलिए बिना प्रसंग के, बिना लक्ष्य के जो लड़ाई हो रही है, ये समाज के लिए, हमारी आध्यात्मिक भावों के लिए घातक है। जो आए थे दूसरों को शांति का संदेश देने, वापस में सिर फुटावल करेंगे तो संसार तो अछूता रह जाएगा। सुंदर साथ के बीच में शोभनी नहीं है कि केवल नाम के पीछे लगकर लड़ाई करना। हाँ, जिसको निज नाम श्री कृष्ण जी पर आस्था है उसको माने, हम मना नहीं करते, लेकिन ये कहना कि केवल यही रहेगा, श्री जी नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण वचन है और ऐसा करने से समाज अंधकार में भटकता है, विभाजन की तरफ चलता है। क्योंकि सत्य की ज्योति को कभी बुझाया नहीं जा सकता। सूर्य को बादलों से थोड़े समय के लिए ढका जा सकता है, लेकिन जब परब्रह्म की कृपा रूपी हवा बहेगी तो बादल हट जाएंगे, सूर्य का जगमगाता हुआ प्रकाश चारों तरफ छा जाता है। इसलिए हमें यह देखना होगा, हमारा यौवन, हमारा पद, हमारा धन, हमारी संख्या, इसका कोई मूल्य नहीं है। लगता है कि ये मूल्यवान है लेकिन वास्तव में नहीं है। मूल्यवान है सत्य, सत्य में जयते न निर्तम, सत्य की विजय होती है। वाणी का कथन अंतिम सत्य है, इसलिए ब्रह्मवाणी के कथन को ही अंगीकार करना चाहिए। अपनी भावनाओं से कोई भी विचार जो थोपा जाता है, यदि वह सत्य के अनुकूल नहीं होता है तो समाज के लिए कभी भी वो श्रेयस्कर नहीं हो सकता। श्री महामति कहे ऐ मोमिनो, अब श्री महामति जी कहते हैं कि हे साची, सुनियो मंगलाचरण, अब आपने ये जो मंगलाचरण सुना, अपनी बीतक देखियो, और अब आप अपनी बीतक देखिए कि सुंदर साथ ने किस तरह से पद्मावती पुरी धाम में अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत प्राण प्रियतम को रिझाया था। ये हम सुंदर साथ के लिए सेवा की भावना से आज उन्हें प्राणनाथ को संत कह करके संबोधित किया जाता है, आचार्य करके संबोधित किया जाता है, स्वयं को उनके समकक्ष बना दिया जाता है और गौरव के साथ कहा जाता है कि वो तो राष्ट्रीय संत थे और हम अंतर्राष्ट्रीय संत थे। कहीं ना कहीं प्राणनाथ जी के व्यक्तित्व में कमियां निकालने का प्रयास है परोक्ष रूप में, कि प्राणनाथ जी को अंग्रेजी नहीं आती थी, प्राणनाथ जी 12,000 पाठ नहीं करा सके थे, प्राणनाथ जी ने लाखों को नहीं तारतम दिया, केवल 5,000 को तारतम दिया। यानी यही सिद्ध करने का तो प्रयास है कि हम उनसे आगे हैं। प्राणनाथ जी केवल वाणी कहे, वाणी की समझ हमें ज़्यादा है, ये कहीं ना कहीं हमारी भूल का परिणाम है जो हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं। वाणी क्या कहती है? इन मोती का मोल कहियो न जाए, ना कि नहु कानों सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। यानी प्राणनाथ जी की महिमा को शब्दों में नहीं आंका जाता, जो उनकी महिमा को शब्दों में बांध देता है कहते हैं कि वो प्रायश्चित की अग्नि में उसको जलना पड़ेगा और सुनने वाला भी जल मरे। और हम सुनकर के खुश होते हैं कि प्राणनाथ जी एक महान संत थे, महान कवि थे, तो हमें भी इसका दोष लगता है। हमें प्राणनाथ जी की महिमा को खंडित करने का, कलंकित करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। आजकल तो एक फैशन सा चल गया है यह कहने का
कि घूमर जी में क्या है, कोई समाधि कहकर खुश होता है, कोई कुछ कहता है। आप जाकर के देखिए हिमालय में कितने बड़े बड़े योगी रहते हैं। अभी एक प्रत्यक्ष घटना कुछ सौ वर्षों पहले घटी थी। कानपुर के पास बिठूर में कुछ खुदाई हो रही थी, वहाँ एक महात्मा ने समाधि लगाए बैठे थे, गड्ढे को खोदा गया तो पूछा कि ये कौन सा समय चल रहा है, तो कहा कि ये अमुक समय चल रहा है, ये कुछ वर्षों की बात है, कुछ सौ साल की बात है, पचास साठ साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा मैं प्रत्यक्ष दर्शी नहीं हूँ, लेकिन अपने ट्रस्ट के संरक्षक साहब ने ये बात बताई थी मुझे। उन्होंने कहा कि तुम मुझे बाधा न डालो, मुझे पुनः ढक दो, और वैसे ही किया गया। आप सोचिए, अनेक योगियों ने बताया अपने जीवन के अनुभव, कैसे कैसे गुफाओं में बैठे और कितने अति प्राचीन योगियों ने जिनकी आँखों की भौहें कई कई फुट तक लंबी हो गई है ध्यान में बैठे। हमने तो अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को एक साधारण इंसान बना दिया कि उनका देह त्याग हो गया, हम उनके शोक में रहने भी लगे। जब अश्वत्थामा बल व्यास विभीषण ये चिरंजीवी हो सकते हैं, तो समाधि अवस्था में तो हजारों साल अपने तन को रखा जा सकता है। जिन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ा है वो जानते हैं कि पंचभूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद शरीर को कल्प तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हमें योग विद्या तो आती नहीं और प्राणनाथ अक्षरातीत को अपनी बौद्धिक विलास का साधन मानते हैं, हम उनको कब्र कहने का दुस्साहस कर लेते हैं। यदि प्राणनाथ जी ने तन छोड़ दिया तो छत्रसाल जी से, लालदास जी से, मुकुंददास जी से एक वर्ष तक बातें कौन करता था। ये तो लीला की उन्होंने अंतर्धान होने की, ताकि छठे दिन की लीला में ब्रह्मुनियों को शोभा दी जा सके कि इन्होंने यह जागनी की, इन्होंने यह जागनी की। जिनकी अंतर्दृष्टि खुली होती है उनको घूमर जी में आज भी श्री जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। जो अपने हृदय मंदिर में उनको देखना चाहे उनको कभी भी दर्शन मिल सकता है, लेकिन हमारी अंतर्दृष्टि खुली हो तब तो मिलेगा। हमने प्राणनाथ जी को संत महापुरुष और कवि कहकर अपने को बड़ा सिद्ध करना होता है। हम स्वयं को तो राज्य कहला देते हैं, लेकिन प्राणनाथ जी को संत कवि और महापुरुष कहकर गौरवान्वित होते हैं। आप सोचिए उन सुंदर साथ ने जो अपना तन मन जीवन निछावर कर दिया, मोमिन सेवे कर्मरत, उनको अपना प्राणेश्वर माना, अक्षरातीत माना, धाम धनी माना, और 5000 सुंदर साथ थे, 5000 सुंदर साथ में जीव सृष्टि सेवा से भी जी चुराती है कि हमें सेवा न करना पड़े। जो सेवा से जी चुराए समझ लीजिए कि कोरी से कोरी जीव सृष्टि, जो चितवनी से जी चुराए कोरी से जीव सृष्टि, जो चर्चा से जीव चुराए जीव सृष्टि, जो 500 ब्रह्म सृष्टियां हैं उन्होंने एक एक पल अपना लगाया, प्रातःकाल 6 बजे से लेकर प्रातःकाल के 6 बजे तक। एक बार पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी ने पूछा लालदास जी से कि लालदास जी बताओ हौज कसुर की पाल ठोस है कि पोली। लालदास जी ने वही धरती पर गुस्सा मारा, बम की आवाज़ हुई और कहा कि धाम धनी पाल पोली है। कितना आत्मविश्वास है, इस दुनिया में हाथ से जमीन पर गुस्सा मार रहे हैं और दृढ़ता से कह दिया कि पाल पोली है। क्यों? क्योंकि लालदास जी ने अपना तन मन निछावर कर दिया है। आप देखिए लालदास जी का प्रबंधन कैसा है, 36 विभाग हैं व्यवस्था के, 36 विभागों का एक एक प्रमुख नियुक्त कर दिया है। लालदास जी सभी विभागों के प्रमुख से मिल लेते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको सुन लेते हैं, और हमेशा जब देखिए तब श्री जी के पास भी बैठे रहते हैं। चर्चा हो, सेवा हो, सब में लालदास जी श्री जी के साथ छाया की तरह रहते हैं। उनके प्रबंधन की एक कुशलता थी कि सारा काम भी लगातार हो रहा है, सब पर उनकी दृष्टि है, कहीं भी व्यवधान नहीं हो पा रहा है। लालदास जी हैं, भीम भाई हैं, मुकुंददास जी हैं, छत्रसाल जी हैं, देवकरण जी हैं, देवकरण जी छत्रसाल जी के सगे भतीजे हैं, मंत्री हैं, लेकिन
झाड़ू लगाते हैं स्वयं, छत्रसाल जी छोटी से छोटी सेवा करते हैं, यह किस लिए? हमारे लिए सिखापन है। चितवनी में छत्रसाल जी बैठते हैं, चितवनी का समय होता है, महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, श्री जी का परम धाम वाला श्रृंगार कराते हैं, स्वयं चितवनी में बैठते हैं, चर्चा में छत्रसाल जी स्वयं बैठते हैं, सेवा का एक एक काम करते हैं। आज हमारा समाज चितवनी से अलग हो चुका है, चर्चा से अलग हो चुका है। लाखों के कार्यक्रम होते हैं लेकिन वाणी की चर्चा नाम मात्र को, 15-15 मिनट के प्रवचन में केवल समय की बर्बादी होती है। कोई बताने वाला नहीं कि खिलवत का रस क्या है, सागर का रस क्या है, श्रृंगार का रस क्या है। इधर उधर की बात जोड़कर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, यही तो प्रवचन की कहानी रह गई है। इसलिए जब तक हमारी आत्मा अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं करेगी, हम कौन हैं, जब तक हम अपने को आत्मभाव में नहीं देखेंगे कि हम परम धाम की ब्रह्मात्मा हैं और हमें सेवा करनी है अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की। सीता को पूछिए, क्या सीता ने कभी राम के बिना भोजन किया होगा? यदि दुनिया की सतियां इतनी भावना रखती हैं तो हमारी ब्रह्मात्मा, हम ब्रह्मात्मा कहलाते हैं, अपने राज्य की सेवा करने में हमको शर्म आती है, अपने राज्य की वाणी को फैलाने में हमारे पास दर्द नहीं होता, हम तन मन धन निछावर नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये हमारी भूल है। और ये हमें सिखापन लेनी होगी कि छठे दिन की लीला में 10 वर्षों तक सुंदर सात ने किस तरह से सेवा की। अब आप सुनिए। सुंदर सेज स्वरूप की। अब प्रातः काल के 6 बजे हैं, श्री जी जिस सैया पर सोते हैं पौड़ते हैं वो कैसी है? सुंदर सेज्या स्वरूप की, यानी श्री जी के लिए शयन के लिए जो सैया तैयार की गई है अति सुंदर है। अति प्यारी भरी नूर। अति प्यारी भरी नूर, राज्य के प्रेम से भरी हुई है, अति प्यारी है, यानी सुंदर साथ ने बहुत प्रेम पूर्वक उस सज्जा को तैयार किया है। तिनकी सिफत इन जुबा। और जिस सैया पर स्वयं अक्षरातीत जिस तन में विराजमान होकर लीला कर किए, उस तन को जिस पर शयन कराया जाता था, वो कितनी अच्छी होगी वो सैया, उसके बारे में कह रहे हैं। क्यों कर कहो हजूर। क्यों कर कहूँ जहूर, मैं उसको किस तरह से कहूँ। अत प्यारा लाल पलंग। श्री जी जिस पलंग पर सोते हैं वो बहुत प्यारा है, लाल रंग का है। पचरंगी पाटी मिही भर। और 5 रंग की रस्सियों से उसको बुना गया है, ऐसा नहीं है कि वो पलंग हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है, उसकी महत्ता नहीं है, महत्ता है भावों की। सबरी ने कोई व्यंजन नहीं खिलाया राम को, वो मीठे बेर चुनती थी, जिस पेड़ के देखती थी कि मीठे बेर है, बेचारी वो तो गरीब है, वनवासिनी है, कहाँ से व्यंजन के लिए पैसे लाएगी। लेकिन सबरी के बेरों में जो आनंद मिला जब योगेश्वर श्री कृष्ण संध दूत के लिए गए दुर्योधन के दरबार में, दुर्योधन उनको कैद करना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण अपने विश्व रूप को दिखा देते हैं, जिधर देखता है उधर कृष्ण ही कृष्ण देखते हैं, फिर वो क्या हार जाता है और बनावटी भाषा में कहता है कि योगेश्वर हम चाहते हैं कि मैं आप मेरे घर भोजन करें। श्री कृष्ण सीधे कह देते हैं कि नहीं, तुम्हारे मन में कलुषित भावना है इसलिए तुम्हारे घर का मैं नहीं खाऊंगा। दुर्योधन के मेवा मिष्ठान छोड़ दिए और विदुर के घर, विदुर आज की परंपरा के अनुसार उनको दलित कहा जाएगा, शूद्र की शूद्रा के पुत्र थे, दलित हैं एक तरह से आज के पौराणिक कर्मकांडियों के मतानुसार। वेद को जन्मना वर्ण व्यवस्था स्वीकार नहीं है, वो कर्म के अनुसार मानती है, लेकिन श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, वो जाते हैं विदुर के पास, उसमें विदुर जी कहीं बाहर गए होते हैं और विदुर की पत्नी से कहते हैं मैं बहुत भूखा हूँ, भूख लगी है, जल्दी कुछ लाओ। विदुर की पत्नी स्नान कर रही होती, उनको कुछ भी पता नहीं कि मैं स्नान कर रही हूँ, भाव विवल होकर केले ला रही है और इतनी पागल है केले के छिलके खिलाती जा रही है और गुदा फेंकती जा रही है और श्री कृष्ण सारा छिलका ही खाते जा रहे हैं। इतने में विदुर कहते हैं कि पागली तू क्या कर रही है, तुझे इतना भी पता नहीं कि क्या खिलाना है। तब विदुर की पत्नी को एहसास होता है कि मैं तो
कपड़े उतार कर खिला रही थी, मैं खुद नंगी हूँ, ये है पवित्र भावना। आप सोचिए सेवा इसको कहते हैं। एक विदुर की पत्नी को पता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण आने वाले हैं, कितने प्रेम से खिलाना होगा हमारे सुंदर साथ में। जब तक ये भावना नहीं होगी कि राज्य की सेवा करनी है, युगल स्वरूप की चितवनी करनी है या उनकी अमृतमयी ब्रह्मवाणी को सुनना है, तब तक हमारी आत्मा कैसे जागृत हो सकेगी। प्रेम प्रीत सो सेवा ही। और सब सुंदर साथ अति प्रेम प्रीत से सेवा करते हैं, सबके हृदय में प्रेम है, जबरन कोई सेवा नहीं कर रहा है। वह शरीर धन धन है जो सेवा के काम में आ जाए। इस यमन को धिक्कार है जिस तन से सेवा नहीं हुई, उस बुद्धि को धिक्कार है जिस बुद्धि से वाणी का ज्ञान ग्रहण नहीं किया। इसलिए उनको अपना सौभाग्य समझना चाहिए जिनका तन सेवा में लगता है, जो सेवा से चोरी करते हैं कि हमें करना न पड़े, उनसे बड़ा ब्रह्म बदनसीब और कोई इस दुनिया में नहीं होगा। सिरदार साथ सुंदर। और कौन सेवा करता है? सिरदार साथ सुंदर, जो सुंदर साथ में खासल खास महान सुंदर साथ हैं, जिनके हृदय में अटूट ईमान है, प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है, वही सेवा करते हैं। पलंग उठाए बिछावत। और सवेरे 6 बजे का समय होता है जब श्री जी उठते हैं, तो उसको बिछाने की सेवा। नारायण हर नंदन। नारायण और हरि नंदन जी करते हैं। कोई दिन नाथे करे। और कुछ दिन नाथा जोशी करते हैं। करते थे रात दिन। दिन रात यही सेवा, सबने सेवा बांट रखी है, एक एक छोटी सी छोटी सेवा। 5,000 की जमात है, 5,000 में 500 सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि है, जो एक पल भी राज्य से अपने को अलग नहीं करना चाहती। कोई छोटी सी सेवा मिल जाती है उसी में खुश कि चलो हमको ये पलंग उठाने की सेवा मिल जाए, कोई श्री जी की छोटी सी सेवा मिल जाए तो अपने को धन धन मानता है। जल अरुगावनी छबील दास। और श्री जी को जल अरुगाने की सेवा किसकी है? छबील दास जी की, वही बिहारी जी का भांजा, बिहारी जी की बहन जमुना बाई और जमुना बाई का बेटा छबील दास। श्री जी को पानी पिलाते पिलाते छबील दास जी ने अपना तन छोड़ा, वो भी सोचिए उनका भी सौभाग्य रहा होगा। जिन ब्रह्मात्माओं ने अपने तन से अपनी आँखों से उस हकी सूरत की सेवा की, वो धन धन है। धन धन तो आप भी हैं, सबसे बड़े भाग्यशाली भी आप हैं और सबसे बड़े बदनसीब भी इस ब्रह्मांड में हैं। भाग्यशाली इसलिए हैं कि उस समय तो वाणी उतरी थी, चर्चा सुनिए, उस समय उन सुंदर साथ सब ने भाग्यशाल सबसे अधिक भाग्यशाली रहे कि साक्षात अपनी आँखों से श्री जी को लीला करते हुए देखा, उनके मुखारविंद से वाणी चर्चा सुनी। लेकिन उनके पास आजकल की तरह इतना साहित्य नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज से 300 साल पहले किसी के पास एक स्वरूप साहब मुश्किल से होता था, आज तो एक एक सुंदर साथ के घर स्वरूप साहब की कितनी प्रतियां, नक्शे हैं, सब कुछ है। आज एक जगह चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में यूट्यूब से प्रसारण हो रहा है। उस समय कोई संसाधन नहीं था, इतना विज्ञान विकसित नहीं था। आज सब कुछ तो है लेकिन हमारे पास उन ब्रह्मनियों जैसा प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है। हम चितवनी करने से अलसाते हैं, सेवा करने से जी चुराते हैं, श्रद्धा विश्वास हमारे पास है नहीं, पता नहीं राज्य है कि नहीं, राज्य हमको दर्शन देंगे कि नहीं, हमारे मन में दुविधा ही दुविधा है। और उन सुंदर साथ ने अटूट विश्वास लिया कि नहीं, इतने ही बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम, हमें यहीं बैठे बैठे परम धाम को देखना है, यहीं बैठे बैठे हमें अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को देखना है। जब आस्था होगी, विश्वास होगा, प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, तब तो राज्य मिलेंगे। और इसके लिए अपने को तपाना पड़ेगा, अपने मन को विषयों से दूर करना होगा, अपनी आत्मा के चक्षुओं को खोलना होगा। यदि हम कोमल गद्दों के शौकीन हैं, स्वादिष्ट पदार्थों के शौकीन हैं, तृष्णाओं के पीछे भाग रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेम खंडित हो रहा है। अब वो सुंदर साथ की सेवा सुनिए कि जिन्होंने एक एक सेवा को बांट लिया है और कितनी निष्ठा के साथ उसको निभा रहे हैं।
पिछले रात रहे घड़ी दोए, दो घड़ी यानी डेढ़ घंटे पहले, जब रात्रि बीतने में दो घड़ी समय बाकी रहता है, एक घड़ी में 22 मिनट होते हैं, 22.5 मिनट, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, 4 प्रहर का एक दिन यानी 12 घंटा, 8 प्रहर में 24 घंटे, और 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है। उठे पियो पलंग से, और श्री जी पलंग से उठते हैं, आरगत है सोए, और उठते उठते सबसे पहले जल पीते हैं, पाँव दाबन प्रात को, और जब श्री जी उठते हैं तो सुंदर साथ तो बहाना ढूंढते हैं, कोई सुंदर साथ उसमें चरण दबाने के लिए पहुंच जाता है, आवे अगरदास गुल जी, ये अगरदास की सेवा है, सोचा है कि श्री जी उठे हैं भले ही 2 मिनट के लिए मिल जाए, श्री जी के चरण दबाने को मिल जाए। कभू कभू माओजी, और कभी कभी माओजी भाई आते हैं। अब देखिए मस्कत मंदिर से सब छोड़ छाड़ करके आ गए हैं माओजी भाई, नाथा जोशी वहाँ से आ गए हैं, कहाँ कहाँ से पूरे देश का सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आज से 300 वर्ष पहले 5000 की संख्या में घर द्वार छोड़कर, अपने करोड़ों की दौलत को छोड़कर श्री जी के साथ रह रहा है, किस लिए? अपनी आत्मा को सुख देने के लिए। उठत पियो पलंग से, और श्री जी पलंग से उठते हैं, बखत अरुणोदय, अरुणोदय जब आकाश में लालिमा फैल रही होती है, यानी 6 बजने में थोड़ा समय कम है, 6 बजे से पहले सब हजूरी हाजिर रहे, हजूरी किसको कहते हैं? जो सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं, सो सेवा करे, और जो सुंदर साथ सेवा में करने वाले होते हैं वो उपस्थित हो जाते हैं। रुमाल रतन बाई का, और रतन बाई की सेवा क्या है? श्री जी के हाथ में रुमाल देने की। भिजाए ताते जल, गुनगुने जल में भिगो कर श्री जी को रुमाल देने की सेवा रतन बाई की। श्री राज नेत्र पोछते, और उससे श्री जी अपने नेत्र पोछते हैं। ए सेवे दिल निर्मल, और यह सेवा उनकी है। आप देखिए क्या लिखा है, श्री राज नेत्र पोछत, यह नहीं लिखा है मिहराज नेत्र पोछत। अष्टपहर की सेवा क्या बता रही है कि यह लीला करने वाला स्वरूप कौन है? प्राणनाथ अक्षरातीत। कम से कम जो इस अष्टपहर की सेवा को पढ़ लेते तो वो प्राणनाथ जी को संत आचार्य महापुरुष कहने का गुनाह अपने सिर पर नहीं लेते। हम ब्रह्मवाणी को नहीं पढ़ते हैं, बीता को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं प्राणनाथ जी की गरिमा पर कुठाराघात करने लगते हैं। यदि हम उनकी गरिमा को बढ़ा नहीं सकते तो हमको किसने अधिकार दे दिया है कि हम प्राणनाथ जी को संतों कवियों और आचार्यों महापुरुषों की श्रेणी में शामिल करें? हम हीरे को हीरा नहीं कह सकते तो सोना कहने, हम शीशा कहने का अधिकार हमको किसने दे दिया है? लेकिन केवल हमारे ही समाज में हो रहा है। समाज के सबसे बड़े अग्रगण्य एक ही चीज़ चाहते हैं कि प्राणनाथ जी को संत बना दिया जाए, कवि बना दिया जाए, महापुरुष बना दिया जाए, वाणी को ढक दिया जाए और भागवत और राधा कृष्ण को अक्षरातीत बना दिया जाए। ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप भागवत की किस्सा कहानियों को सर्वोपरि मानते हैं तो आप मानिए, लेकिन भागवत जिसके रचने वाले बोबदेव पंडित, जिन्होंने वेद व्यास के नाम से रचना की है, उस भागवत की आरतियां क्यों उतारी जा रही है? अक्षरातीत ने रास लीला में राधा कृष्ण के तन में विराजमान होकर लीला की, आप उस नाम को प्राथमिकता दे रहे हैं आपकी विचारधारा, लेकिन क्या वाणी में लिखा है कि मूल मिलावे में राधा कृष्ण विराजमान है? यदि नहीं लिखा है तो वाणी का कथन प्रमुख होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के कथन को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। किसी भी व्यक्ति विशेष का कथन तभी प्रासंगिक हो सकता है यदि वह तारतम्य वाणी के अनुकूल हो। वाणी के विपरीत किसी भी व्यक्ति का कथन मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति अल्पज्ञ होता है। सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत की कही हुई ब्रह्मवाणी ही श्रेष्ठ करे, और समाज को केवल वाणी का कथन मानना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। बिहारी दास सेवा करे, और बिहारी दास जी की सेवा क्या है? ले आवे अंगीठी भर, यदि जाड़े का समय होता है तो अंगीठी भर करके लाते हैं। अब देखिए किसी ने चरण दबा लिए, किसी ने गर्म पानी से में भिगो करके रुमाल दे दी, अब बिहारी दास अंगीठी लाते हैं कि श्री जी वहीं बिस्तर के पास बैठे थोड़ा सा हाथ दाब लें। श्री जी ने किसी को कहा नहीं,
उन सुंदर सात के अंदर भावना है कि हम अपने धाम धनी को किस तरह से रिचाएं। रात प्रात तपावत, और उसके लिए पहले से ही वो तैयारी किए रहते हैं। ऐसा नहीं कि श्री जी के पास ऐसी अंगीठी ला दें जिसमें से धुआं ही धुआं निकल रहा हो, क्योंकि भावना है, सेवा प्रेम से होती है। सेवा पीव की प्यार अति घने, जब तक हृदय में प्रेम नहीं आएगा तब तक सेवा नहीं हो सकती। बिना प्रेम की सेवा का कोई फल नहीं होता। वस्त्र ताजे अंग भर, और रात्रि थोड़ा समय रहने से पहले ही उसको तपाते रहते हैं। जब पहुंचे इत महाराज, जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो पहिनावत सिंगार, तो श्री जी का उस समय श्रृंगार हो रहा होता है। श्री जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान के पश्चात श्रृंगार कर रहे होते हैं। सेवा करे स्नेह सो, माइक के पास बोलो ना, मेरी सुनाई नहीं पड़ता। सेवा करे स्नेह सो, महाराजा छत्रसाल जी अति प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। जान के धनी निर्धार, क्या जान करके? जान के धनी निर्धार, अपना प्रियतम अपनी आत्मा का धाम धनी मान करके छत्रसाल जी सेवा करते हैं। सेवा तो बहुतों ने की है, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी ने जिस तरह से धाम धनी अक्षरातीत के रूप में मानकर सेवा की, वैसी सेवा आज तक इस ब्रह्मांड में न किसी ने की है न कोई कर पाएगा। पावड़े बिछावत बकाई, और जब श्री जी सवेरे उठ करके चलते हैं तो बकाई भाई की सेवा है पावड़े बिछाने की। और सेवा करे किसनी, और किसनी भाई भी है वो भी सेवा करती है। चलते सैया बिछावही, और जब श्री जी चलते हैं तो पावड़े बिछाए जाते हैं। ए सेवा की निशानी, ये सेवा है सुंदर सात की, यानी सबने बांट रखी है। श्री जी चले भी तो वहाँ कुछ न कुछ पावड़े बिछा दें। प्रतिदिन की सेवा है, हर कोई अपनी सेवा में तल्लीन रहता है। सेवा डब्बा रुमाल की, श्री जी के लिए डब्बे रुमाल की सेवा। लाल बाई धरे, यह सेवा है लाल बाई की। बदले लाल बाई के, और लाल बाई के बदले दयाली जो करे। लाल बाई जी जब किसी काम में लग जाती हैं तो यह सेवा दयाली करती है। सूरज मुखी लिए खड़ा, अब सवेरे का समय हो रहा है 9 बजे के लगभग, शेख बदल जी का भाव, वही शेख बदल जो दिल्ली में औरंगजेब से लड़ने गए थे शरीयत के विरुद्ध, सूरजमुखी लिए रहते हैं कि श्री जी कहीं चले तो सूरजमुखी को श्री जी के सिर के ऊपर किए रहते हैं कि धूप ना लगे। श्री जी को धूप नहीं लग रही है, लेकिन शेख बदल की भावना है कि ये जो है फूल सुंदर भी लगेगा और छाता कहाँ से खोजूं, ये सूरजमुखी का फूल ही हम श्री जी के पास लगाए रखें ताकि धूप इसी पर पड़ जाए, ये भावना है रिझाने की। हाथ पकड़े बदले, और श्री जी का हाथ पकड़ कर उठाते हैं। सूरज सामी करत हैं, हाँ सूरज के सामने सूरजमुखी के फूल को लिए रहते हैं। बदले यूं सेवे, ये शेख बदल जी इस प्रकार से सेवा करते हैं। छत्र सिर पर फेरत, और छत्र श्री जी के ऊपर छत्र की सेवा कौन करता है? वल्लभ चले पीछे, वल्लभ भाई श्री जी के ऊपर छत्र लेकर के चला करते हैं। ए सेवे सनी सो, और बहुत प्रेम पूर्वक यह सेवा करते हैं। खड़ा रहे पकड़ के, हमेशा छत्र लेकर खड़े रहते हैं। हाथ पकड़ बैठावत, हाथ पकड़ श्री जी अपने आप बैठ सकते हैं, लेकिन भावना क्या है, हम अपने धाम धनी को हाथ पकड़ करके बैठाएं। धन बाई राम कुमार, राम कुमार और धन बाई की यह सेवा है। जब चरण पखालत, और जब श्री जी के चरण धोए जाते हैं। बैठे कुर्सी या पलंग पर, उस समय श्री जी कुर्सी या पलंग पर बैठे होते हैं और ये सुंदर साथ उनके चरण धोते हैं। श्री राज स्नान करके, और श्री जी जब स्नान कर लेते हैं। तिलक चंदन का समीर मिलाए, केसर मिश्रित तिलक को, केसर मिश्रित चंदन से अपना तिलक करते हैं। भाल में आप दे के, अब सवेरे सवेरे माथे में लगा लेते हैं क्योंकि अब चितवनी कराई जाती है। चितवनी से पहले श्री जी स्नान करते हैं, 9 बजे का समय हो जाता है। आप देखिए उस समय सुंदर साथ श्री जी को स्नान कराते हैं। स्नान करने के पश्चात, स्नान करने से पहले श्री जी नित्य क्रिया के लिए
गए होते हैं, वहाँ भी जब जाते हैं तो सुंदर साथ वहाँ भी अलग अलग सेवा बांट लिए होते हैं, और तब सुंदर साथ आपस पास बैठ जाएंगे सामने श्री जी को साक्षात अक्षरातीत मानकर। महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, श्री जी को परम धाम का श्रृंगार कराते हैं, प्रतिदिन चितवनी कराई जाती है, सवेरे भी और शाम को। और चितवनी जैसे ही पूरी होती है उसके बाद वाणी चर्चा होती है, 12 बजे तक चर्चा होगी, रात्रि को भी 9 बजे के बाद 9 से चर्चा होगी 12 बजे तक, 3 घंटा सवेरे 3 घंटा शाम को, 6 घंटा प्रतिदिन चर्चा होती है। और चर्चा के बाद भी अर्चा होती है। आप सोचिए, आपको तो वीतक केवल 1.5 घंटा सुनाई जाती है, 1.5 घंटा सुनने के लिए भी कितने लोग छिप कर भागते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। उन सुंदर साहब से पूछिए, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं, और उस युग में तो माइक भी नहीं होता था, श्री जी की आवाज़ कैसी होगी जो सब तक पहुंच पाती होगी। यदि मुझे उस युग में रहना होता तो मैं तो बिल्कुल निकम्मा हो जाता, क्योंकि मेरी आवाज़ तो किसी के पास पहुँच ही नहीं पाती। आप देखेंगे उस समय की लीला अद्भुत रही होगी। कर चितवन साथ को दिखाई, और चितवनी करने के लिए कराने के लिए अब श्री जी तखत पर बैठ जाते हैं। रूपाबाई को रिझ के, और रूपाबाई को रिझ कर सेवा दई श्रीराज, राज जी ने क्या सेवा दी है, नित हरड़े अरुगावही, प्रतिदिन हरड़ अरुगाने की सेवा रूपाबाई की है। रहे इन सेवा के काज, और इसी सेवा में वो तल्लीन रहती है। आए मुकुंददास हाजिर, अब मुकुंददास जी आ जाते हैं। चीरा बधावे चोपदे चीत, और श्री जी को पाग बधाई जाती है क्योंकि उनको पूरा परम धाम का श्रृंगार कराया जाता है। कंडपी तीन ऊपर, अब जाने का यदि मौसम होता है तो गोटा और कंडपी कपड़ा पहनाकर उस पर कंडपी पहनाई जाती है। काम पड़े मंगावत, और जब आवश्यकता पड़ती है तो मंगाते हैं। बुलाओ मैया राम, श्री जी मैया राम की याद करते हैं कि जब कोई चीज़ की आवश्यकता होती है तो मैया राम की झोली में हर सामान रहता है। इत महाराज आवत, अब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं। पहनावत है श्रृंगार, अब श्रृंगार कराते हैं परम धाम का, जितने आभूषण होते हैं परम धाम के अपने पहनाने के समय जल्दी जल्दी में जो अंगूठी अच्छी तरह से उंगली में नहीं आती है, महाराजा छत्रसाल जी अपनी हीरे मोती की हीरे की अंगूठियाँ कंचन में जड़ी हुई वो श्री जी के हाथ में पहनाते हैं। पहनावत बीटी बदले, जो भी अंगूठी ठीक नहीं बैठती है अपने निकाल कर पहनाते हैं। दही अपने हाथ उतार, अपने हाथों से श्री जी के गले में मोतियों की माला डाली जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन बाद में श्री जी कहते हैं कि भाई वो जो मेरी गुदड़ी है वो लाओ। ये छत्रसाल, तुमने अपने भाव से परम धाम का श्रृंगार करा लिया, मेरे अंदर युगल स्वरूप की बैठक मानकर हीरे मोती के हार पहना दिया, लेकिन जो मेरा वैरागी भेष है वो तो मेरे साथ ही रहेगा। पहनाए भूखन पीछे फिरे, और आभूषण जब पहनाए जाते हैं उसके पश्चात श्री बाई जी अपने मंदिर, और बाई जी अपने स्थान पर चली जाती हैं। राजभोग अरगावत, और दोपहर के भोजन के पश्चात सेवा रसोई पर, और तब जो है अरगाया जाता है। इन समय छबील दास, इस समय छबील दास जी जल देवी कटोरा भर, कटोरे में जल भर कर देते हैं। बात पूछे कोई बीच में, और यदि बीच में कोई बात पूछता है ताको देत उत्तर, श्री जी उत्तर भी दे देते हैं। आसुबाई अर्ज करे, आसुबाई लालदासी परम धाम की आत्मा का नाम है आसुबाई। पधारो घर मानिक, लालदासी कहते हैं कि धाम देनी आज मानिक भाई के घर चलना है। श्रीराज रिज के बोलत, और श्री जी बहुत आनंदित होकर क्या बोलते हैं। आई बाई बुजरक, बुजरक यानी महान आत्मा, लालदास जी को बुजरक बाई कहते हैं यानी सबसे बड़ी आत्मा, क्योंकि लालदास जी ने सेवा का सारा बोझ अपने सिर पर ले रखा, एक पल भी अपने शरीर को आराम नहीं दे रहे हैं, 36 विभाग बांट दिए हैं,
आप भोजन देने की सेवा करेंगे, आप कपड़े देने की सेवा करेंगे, आप सफाई की व्यवस्था सुधारेंगे, ऐसे ऐसे 36 विभाग बांट दिए हैं। प्रसाद प्रबंधन की कुशलता ऐसे ही होती है, एक व्यक्ति कोई भी सारा कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन अलग अलग विभाग बना देना, उन विभागों के अध्यक्षों से उनकी समस्याओं को जानकर उनमें सहयोग करना, इस तरह से कुशल प्रबंधक का यही लक्षण होता है। और लालदास जी ने करोड़ों का व्यापार संभाला था, उनको मालूम है कि प्रबंध कुशलता कैसे पाई जाती है। पनही जोड़े जड़ाव की, आप श्री जी के चरण कमलों में पनही पहनाई जाती है। लाया वल्लभ दास, यह सेवा वल्लभ दास जी की है। छत्र सिर पर फेरत, और श्री जी के सिर के ऊपर छत्र फेरने की सेवा। ए मोमिन है खास, ये इन सुंदर साथ की विशेष सेवा है। जब महाराजा पहुँचे, जब महाराजा छत्रसाल जी उस समय आते हैं। उठावत पकड़ हाथ, श्री जी को कहीं जाना होता है तो हाथ पकड़ कर उठाते हैं। लाल दास बदले लाल बाई, और लाल दास जी जब नहीं होते हैं तो उनकी धर्मपत्नी लाल बाई भी ये सेवा करती हैं। हंसावत है राज को, श्री जी को हंसाने की सेवा क्या है। जरा सेवा में, ये किसी भी सेवा में होती है तो लालबाई की आदत है, कुछ न कुछ बात कहकर श्री जी को हंसा देती हैं। आड़ी आए ठाड़ी रहे, और जब श्री जी चलते हैं तो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। राज रीजे तीन से, और इस प्रकार धामधनी आनंदित होते हैं। मानिक मंदिर अपने, और मानिक भाई अपने घर पर करे बिछोने जी, श्री जी के लिए बिछोना बिछोए होते हैं। चारों तरफ चंद्रमा, और उसके बिछोने के चारों तरफ चंद्रमा यानी चादर तान दी जाती है। और रखे गादी तकिए, और श्री जी के पलंग पर गादी और तकिए बिछा दिए जाते हैं। ये 6 बजे से 9 बजे की सेवा है, जिसमें श्री जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रातःकाल चितवनी कराते हैं, यानी प्रातः की दिनचर्या चितवनी से प्रारंभ होती है। आप देखिए समाज में चितवनी की कितनी कमी हो गई है, बीतक में प्रसंग आएगा। अज्ञारी जोलो रहे तो लो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंग ठरे। जब तक 11वीं सदी रही, 11वीं सदी का भाव यहाँ 1751 से लिया जाएगा। लालदास जी कहते हैं कि तब तक श्री जी के तन से जब तक जाहिरी रूप में लीला चलती रही, चितवनी का भाव बना रहा, धीरे धीरे सब ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंग ठरे। अंग ठरने का मतलब जब जाड़े के समय होता है, जनवरी का महीना शीतलहर चलती है तो हमारे अंग सिकुड़ जाते हैं ठंड, यानी किसी के भी मन में चितवनी के प्रति भावना नहीं रही। और यही कारण है हमारे समाज के पतन का मुख्य कारण है चितवनी से दूर हो जाना। घंटे घड़ियाल तो खूब बजते हैं, ढोल के भी चार चार बजाई जाती है, लेकिन वाणी चर्चा का लोप होना, चितवनी का लोप होना हमारी आत्म जागृति में बाधक बन गया, उसकी जगह कर्मकांड ने ले ली। तीसरे शिष्ट विष्णु 100 वर्षे प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार, 1745 में 11वीं सदी पूरी हो जाती है। 1745 से 75 तक यानी श्री जी के अंतर्ध्यान होने के पश्चात लगभग 30 वर्षों तक ईश्वरी शिष्ट का राज रहा, केवल ज्ञान और बंदगी। 1751 तक चितवनी और चर्चा के सिवा कुछ नहीं हुआ, कोई कर्मकांड नहीं था, केवल शाम के समय संध्या आरती हो जाती थी, वो भी प्रेममय भावों से। और ईश्वरी सृष्टि के पश्चात 1750-75 के पश्चात जो और समय गुजरा, 1745 से 1845 तक, यानी 70 साल केवल कर्मकांड की आग रही और जीव सृष्टि बिलखती रही कि हमारे प्राण वल्लभ आए थे, हमने उनको पहचाना नहीं, लेकिन जीव सृष्टि कुछ थोड़ी सी चितवनी में रुचि रखती रही। उसके पश्चात तो फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंग ठरे। आप देश में देखेंगे 400 से अधिक मंदिर बन गए, लेकिन चर्चा चितवनी का नामो निशान मिट गया, कहीं कहीं टिमटिमाते हुए दीपक की तरह थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है, थोड़ी सी चितवनी हो जाती है। यदि सावन के महीने में एक महीने के बीतक का नियम नहीं होता तो ये तो वाणी पूरी तरह से ढक गई होती। यह बात ध्यान में रखिए,
यदि आप अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं तो चितवनी के सिवा कोई रास्ता नहीं। मोदी बड़ा बोलचंद, बोलचंद मोदी क्या करते हैं? चले राजसंग ए, वो धाम धनी के साथ चलते रहते हैं। ठौर पहुंचे बोलही, और बेचारे बुजुर्ग हैं, कोई सेवा कर नहीं पाते, तो उनकी एक ही सेवा है, बोलिए धाम धनी की जाए, या जयकारा बोलकर ही खुश होते हैं। लटके मटके चलते, श्री जी प्रेम भरी मस्ती की चाल से चलते हैं। फिर बैठे पलंग आए, और उसके पश्चात पलंग पर आकर के बैठ जाते हैं। सामे मुरलीधर आसन किया। अब चर्चा होगी, पहले क्या हुआ? चितवनी। मुरलीधर का नाम हमेशा से लिया जाएगा, ये मुरलीधर राजस्थान के रहने वाले हैं। श्री जी के सामने इस तरह से बैठ जाते हैं जैसे कि कोई मूर्ति हो, न हाथ हिल रहा है न पैर हिल रहा है, आंख से आंख मिलाकर श्री जी से चर्चा इस प्रकार सुनते हैं कि जहाँ भी चर्चा, प्रातःकाल की चर्चा होगी या रात की चर्चा, मुरलीधर का नाम अवश्य आएगा। श्रवणा देत बनाए, और सच्चे हृदय से श्रवण करते हैं श्री जी की चर्चा को। ऊपर पहर दिन के, और पहर दिन के पश्चात जब 9 बजे का समय हो जाता है, आए मानिक के घर से, श्री जी मानिक भाई के घर से आते हैं। पधारत पलंग पर, और पलंग पर पधारते हैं। हुआ चर्चा समय, अब 9 बज जाते हैं। 6 बजे से 9 बजे के बीच में श्री जी की दिनचर्या स्नान वगैरह से निवृत्त जब हो जाते हैं, महाराजा छत्रसाल जी, मुकुंददास जी सब मिल करके श्री जी का श्रृंगार कराते हैं। श्री जी तखत पर बैठकर सबको परम धाम युगल स्वरूप की चितवनी कराते हैं। जो सुंदर साथ चितवनी नहीं कर पाया होता है, उसके हृदय में भाव होता है, तो श्री जी के स्वरूप में उनको साक्षात युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं। जाको दिल जिन भासो तासो मिले तिनविद, मन चाहया स्वरूप हो के कारज किए सब सिद्ध। यदि कोई उनको युगल स्वरूप के रूप में देखना चाहता है तो युगल स्वरूप दिखाई देते हैं इन आँखों से। कोई रासबिहारी के रूप में देखना चाहता है तो रासबिहारी का भी रूप दिख जाता है। कोई मुस्लिम है वो मोहम्मद के रूप में देखना चाहते हैं, मोहम्मद का भी दीदार हो जाता है। जिसके दिल में जैसी भावना होती है वही स्वरूप झलकने लगता है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। श्री महामति कहे सुनो साथ जी, महामति जी कहते हैं कि हे साथ जी, ए पहर एक की बिरत, एक पहर की बितक है, यानी प्रातः काल 6 बजे से 9 बजे तक 10 वर्षों में क्या लीला हुई इसका वर्णन किया गया। ए होता है तापर, ये किस तरह से हुआ, अब इसके पश्चात कैसे होता है 9 बजे के बाद, सोए बताऊं जुगत, उसको मैं अच्छी तरह से बताता हूँ कि 9 बजे के बाद किस तरह से लीला होती है। ये अष्टपहर की लीला क्यों बताई जा रही है कि हम अब भी अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करें। उन सुंदर साथ ने अष्टपहर 64 घड़ी अपने धाम धनी को तन मन से समर्पित होकर के रिचाया, तन से सेवा की, अपना हृदय धनी के चरणों में रखा। आज देश के कहीं भी मंदिरों में चले जाइए, हर जगह शयन की लीला चल रही होती है। दोपहर के बाद भोग लगा करके सो जाते हैं, 5 बजे उठेंगे, 4 बजे 5 बजे उठेंगे, फिर नहाए धोए, गौरी आरती गाए पिए, खाए पिए, फिर 9 बजे 10 बजे सो गए। सवेरे उठकर 4 बजे फिर मंगल आरती किए, कुछ जलपान उनपान किए, गप्पे मारे, थोड़ा सा कुछ चौपाइयाँ पढ़ लिए, और दोपहर को भोग लगाकर फिर सो जाए। ये हमारी दिनचर्या बनी हुई है। जब तक मंदिरों की दिनचर्या बदलेगी नहीं, चितवनी की शिक्षा नहीं मिलेगी, वाणी चर्चा नहीं होगी, सबको ये नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारी आत्मा की जागृति कैसे हो, तब तक ये समाज में निद्रा बनी ही रहेगी और हमारी जागने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। आज आपने सुना किस तरह से प्रथम पहर में सुंदर साथ ने उन अक्षरातीत की सेवा की, अब आप कल सुनेंगे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पहर में किस तरह से लीला होती है, कैसे सुंदर साथ एक एक पल गुजारता है। हमें भी यह शिक्षा लेनी होगी कि हम अपने दिन का प्रारंभ राज्य की चितवनी से करें। वह दिन व्यर्थ है जिस दिन आपने प्रातःकाल चितवनी नहीं की, और रात व्यर्थ है जिस रात आपने सोने से पहले अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को अपने धाम हृदय में बसाया नहीं और अपनी अंतर्देश से उनको देखा नहीं। अब आप चुप पाए तो रहे।
श्री मामति कहे सुनो साथ जी, ए प्रहर एक के विरत, जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।